Hello friends, welcome to the next video of computer network. So till now we have seen the question number 1 to question number 100 of computer networks. So today we will discuss more 50 questions on computer network, and these questions will be mostly based on the network security. Okay, so today we are going to discuss some theory of computer network security, in which we will see encryption, decryption and digital signatures. Okay, this is very important topic of computer network because most of the questions in PGT and TGT comes from the security part. Okay, and in a UGC net paper 2, they ask many questions from security. Okay, so today we are going to see some paper 2 questions of UGC net on security, but before that we will discuss something about the network security. So network security mein 3-4 cheeze hain hamare paas mein. Agar jab bhi hum network security ki baat karte hain, sabse pehle baat karte hain encryption decryption ki. सो हम क्योंकि हमें डेटा एक चैनल के थ्रू सेंड करना है, हम नेटवर्क की बात कर रहे हैं. जब नेटवर्क की बात करें तो हमें डेटा जो सेंड करना है एक क्लाइंट से सर्वर से या फिर सेंडर से रिसीवर की तरफ, एक चैनल का यूज़ करके सेंड करेंगे. चैनल या तो गाइडेड मीडिया हो सकता है या फिर अनगाइडेड मीडिया, या तो वायरलेस हो सकता है या वायर्ड हो सकता है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बीच में कोई भी अटैकर आपके डेटा को मॉनिटर कर सकता है या उस पर अटैक भी कर सकता है. ओके, क्योंकि अगर कोई बीच में डेटा को मॉनिटर कर रहा है उसको बोलते हैं पैसिव अटैक. तो वो आपके डेटा को रीड कर सकता है जो हम नहीं चाहते. फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी अपने फेसबुक अकाउंट में लॉगिन कर रहे हो, तो जब आप लॉगिन कर रहे हो तो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड एक प्रॉपर चैनल के थ्रू फेसबुक के सर्वर के पास जा रहा है. लेकिन अगर कोई फेसबुक के सर्वर के पास जाने से पहले इसको बीच में रीड कर ले, तो उसको आपका प्लेन टेक्स्ट में यूजर नेम एंड पासवर्ड दिख जाएगा, क्योंकि जो आपका यूजर नेम और पासवर्ड होगा वो फेसबुक के सर्वर पे जाने के बाद में इनक्रिप्ट होगा. तो हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा कम्युनिकेशन हो वो इनक्रिप्टेड हो, कोई बीच में अगर कोई डेटा को देख भी ले तो उसको रीड ना कर पाए. उसके लिए हम यूज़ करते हैं इनक्रिप्शन. हम क्या करते हैं कि डेटा को सेंडर साइड में इनक्रिप्ट कर देंगे और रिसीवर साइड में उसको डिक्रिप्ट करेंगे. तो ऐसे ही हमारे पास में कई सारे एल्गोरिथम्स आई इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए, जैसे कि AES, DES एल्गोरिथम्स. बट सबसे सक्सेसफुल जो एल्गोरिथम हुई वो ही RSA. ओके, RSA एक एल्गोरिथम थी जो MIT में डेवलप हुई 1977 में. ओके, सो दिस एल्गोरिथम वॉज डेवलप्ड इन MIT इन 1977. तीन लोग थे जिन्होंने इसको डेवलप किया था और उनका नाम है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, रॉन राइबस्ट एंड एडी शामिर एंड एडलमैन. सो ये तीन लोग थे जिन्होंने ये RSA एल्गोरिथम बनाई थी. तो RSA एल्गोरिथम मोस्टली बेस्ड है प्राइम फैक्टर्स पे, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स की बहुत ही अच्छी पावर है. कि अच्छी पावर का मतलब क्या है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फैक्टराइज अ नंबर इनटू प्राइम फैक्टर्स. किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर में करना बहुत ही मुश्किल है, और इसी एडवांटेज का हमने यूज़ करके RSA एल्गोरिथम बनाई. ओके, तो 1977 में ये एल्गोरिथम आई थी और उसको फाइनली इम्प्लीमेंट किया गया था 1978 में. और इसको हम पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम बोलते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम होगी वो दो तरह की होगी, पब्लिक की एंड प्राइवेट की. पब्लिक की एंड प्राइवेट की का मतलब क्या है? सो जो आपकी क्रिप्टोग्राफी होगी वो दो तरह की होगी, एक तो होगी प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी और एक होगी पब्लिक की. अब ये प्राइवेट की और पब्लिक की में डिफरेंस क्या है? जो प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी होगी उसको हम सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं. सिमेट्रिक क्यों? क्योंकि हम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों एक ही की से करेंगे, और वो होगी प्राइवेट की. प्राइवेट की सिर्फ जिसकी की है उसी के पास रहेगी, यानी कि सेंडर की प्राइवेट की सेंडर के पास रहेगी और रिसीवर की रिसीवर के पास रहेगी. लेकिन जब हम बात कर रहे हैं सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी की, तो प्राइवेट की दोनों के पास सेम होगी. सेंडर के पास भी वही प्राइवेट की होगी और रिसीवर के पास भी वही प्राइवेट की होगी, क्योंकि हम कह रहे हैं कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन सेम की से हो रहा है. मतलब क्या है? लेट्स से ये आपका मैसेज था, ठीक है, लेट्स से दिस वॉज योर मैसेज. अब आपको उसको इंक्रिप्ट करना है. आप क्या करोगे? मैसेज को सेंड करने से पहले उसको इंक्रिप्ट करोगे. ओके, और इनक्रिप्ट कैसे करोगे? ये इनक्रिप्टिंग एल्गोरिथम है. इनक्रिप्शन एल्गोरिथम में आप यूज़ करोगे प्राइवेट की. ओके, उसके बाद में इसको ट्रांसमिट करोगे, और ट्रांसमिट करने के बाद में ये रिसीवर साइड पहुंचेगी. रिसीवर साइड क्या होगा? डिक्रिप्शन. पहले डिक्रिप्शन होगा उसी की से, सेम की, दैट इज प्राइवेट की. और ये प्राइवेट की दोनों के पास में कैसे होगी? हमारे पास में एक थर्ड पार्टी होगी. ओके, ये थर्ड पार्टी क्या करेगी? ये की डिस्ट्रीब्यूशन काम करेगी. इसको कभी कभी ऑथेंटिकेशन सर्वर भी बोलते हैं, या इसको KDC भी बोलते हैं, की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर. ओके, जब आप कैरबरस पढ़ोगे, एक टॉपिक है कैरबरस, जब आप इस डिटेल में नेटवर्क सिक्योरिटी को पढ़ोगे
तो आपको दिखाई देगा कैलकुलस एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम की को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, क्योंकि दोनों के पास में सेम की होनी चाहिए, तो की डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम KDC यूज़ करते हैं, की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, और सिस्टम यूज़ करते हैं कैलकुलस। उसके बाद में मैसेज पहुंच जाएगा आपका रिसीवर साइड में। तो जब आप किसी मैसेज को इनक्रिप्ट करोगे, इनक्रिप्ट करने के बाद में बन जाएगा वो साइफर टेक्स्ट। ओके, साइफर टेक्स्ट मीन्स वो टेक्स्ट जो मैसेज को इनक्रिप्ट करने के बाद में आपको मिलेगा। आप साइफर टेक्स्ट पे डिक्रिप्शन एल्गोरिथम लगाओगे और आपको मिलेगा प्लेन टेक्स्ट। ओके, तो प्रोसेस कैसे होगी? प्रोसेस ऐसे होगी, अगर पब्लिक की, अगर प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी है, तो आपका मैसेज था लेट से प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट पे आपके इंक्रिप्शन एल्गोरिथम लगाई, लेट से इंक्रिप्शन एल्गोरिथम आप यूज कर रहे हो प्राइवेट की इंक्रिप्टोग्राफी, और इंक्रिप्शन करते वक्त आप क्या करोगे, प्राइवेट की से करोगे, और इंक्रिप्शन करने के बाद में ये प्लेन टेक्स्ट बन जाएगा साइफर टेक्स्ट। ओके, अब ये साइफर टेक्स्ट ट्रांसमिट होगा रिसीवर को, क्योंकि ये ट्रांसमिट हो रहा है, जब साइफर टेक्स्ट ट्रांसमिट हो रहा है, अगर बीच में कोई लेट से हैकर बैठा हुआ है और उस हैकर आपके साइफर टेक्स्ट को पकड़ भी लेगा, तो उसको समझ नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास में की नहीं है। ओके, साइफर टेक्स्ट पहुंचेगा रिसीवर साइड में, और रिसीवर साइड में क्या होगा, डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन करने के बाद में आपको मिलेगा प्लेन टेक्स्ट जो कि फाइनली रिसीवर रीड कर सकता है। तो इसको बोलते हैं प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी, जिसमें सेम की यूज हो रही है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या है? जो आपकी RSA एल्गोरिथम है वो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी है। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का मतलब ये है कि जो इंक्रिप्शन होगा, इंक्रिप्शन हम करेंगे रिसीवर की पब्लिक की से। रिसीवर्स पब्लिक की, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चंस इस पे पूछे गए हैं। इंक्रिप्शन जो होगा वो रिसीवर की पब्लिक की से होगा, और जो डिक्रिप्शन होगा, डिक्रिप्शन कौन करेगा, रिसीवर करेगा। इंक्रिप्शन कौन करेगा, सेंडर करेगा। हमेशा याद रखना है, इंक्रिप्शन सेंडर करता है और डिक्रिप्शन रिसीवर करता है। तो जो डिक्रिप्शन होगा वो रिसीवर की प्राइवेट की से होगा। ओके, तो रिसीव जो इंक्रिप्शन होगा वो रिसीवर की पब्लिक की से होगा, डिक्रिप्शन रिसीवर की प्राइवेट की से होगा। तो ये क्यों, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इंक्रिप्शन जो होगा वो रिसीवर की पब्लिक की से होगा? क्योंकि पब्लिक की सबको पब्लिकली अवेलेबल है। अब जो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी है इसमें दो की यूज करेंगे, पब्लिक की एंड प्राइवेट की। प्राइवेट की सबकी अपने अपने पास होगी, और सबकी अलग अलग होगी। सबकी प्राइवेट की उनके पास होगी, वो किसी के साथ में शेयर नहीं करेंगे, ओनली पब्लिक की शेयर करेंगे। सब अपनी अपनी पब्लिक की शेयर कर देंगे, यानी कि सबकी पब्लिक की पब्लिकली अवेलेबल है, पब्लिक की कोई भी देख सकता है, लेकिन प्राइवेट की सबकी अपने अपने पास होगी। तो जो इंक्रिप्शन होगा, इंक्रिप्शन कुछ ऐसे होगा, इंक्रिप्शन करते वक्त आप यूज करोगे रिसीवर्स की पब्लिक की, और ये पहुंचेगा इंक्रिप्शन होने के बाद में ये बन जाएगा प्लेन साइफर टेक्स्ट, और साइफर टेक्स्ट पहुंचेगा रिसीवर साइड, और रिसीवर साइड में क्या होगा, डिक्रिप्शन। और डिक्रिप्शन जो होगा वो होगा रिसीवर की पब्लिक की प्राइवेट की के साथ। अब अगर हम इंक्रिप्शन करते हैं रिसीवर की पब्लिक की से, तो सिर्फ रिसीवर ही इसको इंक्रिप्ट कर सकता, डिक्रिप्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि इन डिक्रिप्शन करने के लिए एक पेयर चाहिए होगा, की का पेयर, दैट इज पब्लिक की एंड प्राइवेट की, दोनों चाहिए होगी। अब आपने इसको इंक्रिप्ट किया हुआ है पब्लिक की से, और आप डिक्रिप्ट कर रहे हो प्राइवेट की से, तो क्या हो गया, दोनों कॉम्बिनेशन बन के इसको डिक्रिप्ट कर देगा, क्योंकि इसकी रिसीवर की पब्लिक की तो उसके पास पहले से होगी होगी, और प्राइवेट की वो अपनी प्राइवेट रखेगा, और इसकी पब्लिक की सबके पास होगी, क्योंकि जिसको भी इंक्रिप्शन करना है वो क्या करेगा, रिसीवर की पब्लिक की यूज करके इंक्रिप्शन कर देगा, जिससे कि सिर्फ वही बंदा उसको डिक्रिप्ट कर पाए। सबकी पब्लिक की और प्राइवेट की का कॉम्बिनेशन अलग अलग होगा, तो कोई और इसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबके पास में पब्लिक की तो है लेकिन प्राइवेट की नहीं है रिसीवर की, तो सिर्फ यही इसको डिक्रिप्ट कर पाएगा। तो हम हमारे पास में एक RSA एल्गोरिथम है जो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी है, और इसमें कुछ स्टेप्स हैं। तो अगर आपको कोई भी टेक्स्ट इंक्रिप्ट करना है, तो आपको तीन चार चीज़ें निकालनी होगी, NPQED, ये सब चीज़ें कैलकुलेट करनी होगी। P क्या चूज करोगे आप? सबसे पहला स्टेप है P और Q चूज करना। बॉब चूजेस टू प्राइम नंबर्स P एंड Q एंड कंप्यूट N इक्वल्स टू PQ। तो आप पहले एक PQ चूज करोगे, लेट से आपने P चूज किया 5 एंड Q चूज किया 11। अब उसके बाद में क्या करोगे, N फाइंड आउट करोगे, N इक्वल्स टू P इंटू क्यू, N क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 55।
उसके बाद में आप क्या करोगे, एक फाई एन फाइंड आउट करोगे, सेकेंड स्टेप है फाई एन फाइंड आउट करना। और फाई एन कैसे फाइंड आउट करते हैं, पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन। तो फाई एन कैसे फाइंड आउट करेंगे, पी वन वन पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन, इसको बोलते हैं कोशेंट। ओके, और ये आएगा फोर इंटू टेन, पी माइनस वन इज फोर एंड क्यू माइनस वन इज टेन, सो दिस विल बी फोर्टी। अब आपको थर्ड चीज निकालनी है, अभी आपने निकालना एन फाई एन, आपको निकालना है ई। यहां से इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ई फाइंड आउट करना है सच दैट के ई और जो आपने फाई एन फाइंड आउट किया है अभी, उन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, यानी कि उनका जीसीडी जो हो वो वन हो। इसका मतलब क्या है, इसी चीज को हम बोलते हैं कि वो दोनों रिलेटिवली प्राइम हो। आप ई ऐसा कुछ चूज करो कि वो फाई एन के रिलेटिवली प्राइम हो, यानी कि उसमें और फाई एन में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे कॉमन फैक्टर ना होने का मतलब क्या है, लेट्स से ये 40 है, फाई एन क्या है 40। अब आपको ई ऐसा चूज करना है जो 40 के साथ में इसका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, और वो ई जो आप ई चूज करोगे, ई होना चाहिए 1 से ग्रेटर एंड देन फाई एन से लेस देन। ओके, फाई एन के और 1 के बीच में होना चाहिए वो ई। तो आप कैलकुलेट करोगे ई, लेट्स से आपने कैलकुलेट आपने चूज किया ई को 3। ओके, तो आपने ई इक्वल टू 3 चूज किया, अब आप डी चूज करोगे। ओके, इसके बाद में अगला स्टेप है बॉब सॉल्व्स डी इक्वल्स टू 1 मोड फाई एन। अब आपको डी चूज करना है सच दैट कि जब आप डी की और ई की मल्टीप्लिकेशन करो तो 1 आए मोड फाई एन में। ओके, इसका मतलब भी फाई एन ही, साई लिखा हुआ है इन्होंने लेकिन मैं लिखा हुआ है फाई, तो फाई एन और साई एन एक ही चीज़ है। इसको निकालने के और भी तरीके हैं, इसको निकालने के मैं तरीके बताऊंगा, एक्चुअली में लिखा हुआ है डी ई इक्वल्स टू 1 मोड फाई एन। तो इसको आप कई तरीके से लिख सकते हो, इसका इजी वे बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे डी निकालना बहुत जरूरी है, कहीं बहुत सारे क्वेश्चन में आपको डी निकालने के लिए पूछा जाएगा। मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ ध्यान रखनी है, जो आपके पास में दो चीज़ें आएंगी ई एंड एन, तो ई जो है और डी आएगा। ई क्या है, पब्लिक की है, और डी है प्राइवेट की, प्राइवेट की का एक्चुअल में कॉम्पोनेंट है। तो ई एंड एन मिलकर बनाएंगे पब्लिक की, और डी एंड एन मिलकर बनाएंगे प्राइवेट की। ठीक है, अब ये पब्लिक की एंड प्राइवेट की यूज होगी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए, देखते हैं कैसे यूज होगी। तो इसने लिखा है कि बॉब मैक्स ई एन पब्लिक की, ठीक है, जो मैंने बताया ई एन पब्लिक की है, एंड पी क्यू डी सीक्रेट की है। तो इसने पी क्यू डी का है, मैंने एन का है, तो बात एक ही है क्योंकि एन इक्वल टू पी इन टू क्यू है, तो ये एन और इनको निकल के आप एन और डी भी लिख सकते हो। ओके, तो एलिस इनक्रिप्ट मैसेज एम एस सी इक्वल्स टू एम टू दी पावर ई मोड एन। तो आपको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए, मैसेज को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, मैसेज की पावर ई मोड फाई एन। फिर उसके बाद में डिक्रिप्ट करने के लिए आप डी यूज करोगे, क्योंकि मैंने कहा था कि इनक्रिप्ट करने के लिए हम पब्लिक की यूज करते हैं, और पब्लिक की क्या है, ई। तो आप इनक्रिप्ट कर रहे हो पब्लिक की से, दैट इज ई एन से, और जो डिक्रिप्ट कर रहे हो वो कर रहे हो प्राइवेट की से, दैट इज डी से। साइफर टेक्स्ट से वापस मैसेज पाने के लिए आपको क्या करना होगा, सी की पावर डी मोड फाई मोड एन। तो इसके बेसिस पे लेट्स से हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स से मैं एल्गोरिथम अप्लाई करता हूँ स्टेप वाइज। पहला स्टेप है कि आपको चूज करना है पी एंड क्यू, तो मैंने चूज किया, लेट्स से पहला है, पहला स्टेप क्या है, सेलेक्ट टू प्राइम नंबर्स। ओके, सेलेक्ट टू प्राइम नंबर्स पी क्यू। तो लेट से मैं चूज करता हूँ पी इक्वल टू 17 एंड क्यू इक्वल टू 11। ठीक है, मैंने दो नंबर चूज किए। फाइंड सेकेंड स्टेप क्या है, मुझे फाइंड आउट करना है एन, तो कैलकुलेट करना है एन इक्वल टू पी इंटू क्यू। ओके, एन इक्वल टू क्या होगा, 17 इंटू 11, दैट इज 187, ये मेरा आ गया है एन। अब थर्ड मुझे क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट फाई एन। ओके, फाई एन कैसे कैलकुलेट करूंगा, पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन, और ये आ गया है लेट से पी माइनस वन विल बी 16 एंड क्यू माइनस वन विल बी 10, तो ये आ जाएगा 160। ठीक है, अभी तीन चीज निकल चुकी है, बहुत ही ईजी है। अब फोर्थ स्टेप इंपॉर्टेंट है, अब मुझे फोर्थ स्टेप में ई सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट ई सच दैट, ई आपको ऐसा सेलेक्ट करना है कि सेलेक्ट ई सच दैट के ई इज इंटीजर, पहली चीज क्या हो, ई इंटीजर हो। सेकंड चीज ई जो है वो 1 और फाई एन के बीच में हो, ठीक है, यानी कि फाई एन से छोटा हो और 1 से बड़ा हो। थर्ड चीज रिलेटिवली प्राइम हो, किससे, रिलेटिवली प्राइम फाई एन से, फाई एन से रिलेटिवली प्राइम हो। रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या है कि उसका जो आप ई सेलेक्ट करो और फाई एन का जीसीडी जो हो वो 1 हो, यानी कि उनमें कॉमन फैक्टर
कॉमन ग्रेटेस्ट डिविजर जो है वो वन ही हो, इस वन के अलावा कोई और उनको डिवाइड ना करे। ओके, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर क्या हो, वन हो। ऐसा आपको ई चूज करना है। लेट से मैं ई चूज करता हूँ सेवन, ठीक है, मैंने ई सेवन चूज किया। तो अगर आप देखो ध्यान से, फाई एन क्या है, 160। तो अगर मैं जी सीट निकालता हूँ, जो मैंने चूज किया है ई, दैट इज सेवन, और वन फाई एन क्या था, 160। तो 160 का और 7 का जो जी सी डी होगा वो 1 होगा, इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो मैंने चूज किया है ई, दैट इज 7। अब मैंने ई 7 चूज कर लिया है, इसी के बेसिस पे अब डी चूज होगा, क्योंकि अब जो डी निकालना है, डी फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल है। डी कैसे फाइंड आउट करेंगे, फाइव स्टेप है आपका डी फाइंड आउट करना। वो आपको निकालना है डिटरमाइन डी सच दैट, ये इंपॉर्टेंट है, आपको डी ऐसे चूज करना है कि डी सच दैट ई डी इक्वल्स टू 1 मॉड फाई एन, ठीक है, ई डी इक्वल्स टू जो है 1 होना चाहिए मॉड फाई एन। तो इसको मैं सिंपली कैसे लिख सकता हूँ, ई डी क्या है मेरा, ई आया है 7, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू डी इक्वल्स टू 1। चलो पहले इसको देख लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि हम सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं। ओके, तो हम सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं इसको, यह है ई डी इक्वल्स टू 1 मॉड फाई एन। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, डी इक्वल्स टू ई इनवर्स मॉड फाई एन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर जब ई इधर जाएगा तो 1 बाई ई हो जाएगा, 1 बाई ई का मतलब है इनवर्स। या फिर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, डी इक्वल्स टू के इंटू फाई एन प्लस 1 डिवाइड बाय ई, यही तो मतलब होता है मोड का। ओके, मोड का मतलब ये होता है ना, मोड फाई एन मीन्स क्या है कि मुझे मोड फाई एन जो है 1 लेके आना है, तो के इंटू फाई एन प्लस 1 डिवाइड बाई ई। तो मैं डी ऐसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो ये मैं कैसे निकाल सकता हूँ, अब मेरे पास में आया है डी इक्वल्स टू के इंटू फाई एन प्लस 1 डिवाइड बाई ई। मेरे पास में सब कुछ है, मेरे पास में ई भी है, फाई एन भी है। अब मुझे कोई ऐसा के फाइंड आउट करना है जिससे कि ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। मतलब क्या है, के इंटू फाई एन आया है मेरे पास में 160 प्लस 1 डिवाइड बाय 7। ओके, ई इज 7। तो अब मुझे कुछ के ऐसा फाइंड आउट करना है कि ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। अगर मैं के इक्वल टू 1 लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये 161 हो जाएगा, और 161 विल बी डिवाइडेड बाय 7। सो लेट से मैंने लिया के इक्वल टू 1। ओके, तो डी की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 160 प्लस 1 डिवाइड बाय 7, तो दिस विल बी 161 बाय 7, दिस मीन्स 21। सो डी आया आपका 21। तो आपके पास में फाइनली पब्लिक की भी आ गई है और प्राइवेट की भी आ गई है। पब्लिक की क्या बनेगी, पब्लिक की बनेगी ई एन, ई एन क्या होती है, पब्लिक की, और यहाँ पे ई है 7 एंड एन आया था आपका 187, ये पब्लिक की है। और प्राइवेट की क्या होगी, डी एन। ओके, सो डी एन होगा आपका 21 एंड एन इज 187। सो इनसे आप सिंपली इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कर सकते हो। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कैसे करेंगे, पब्लिक की आई है मेरे पास में, पब्लिक की इज 7 एंड 187, दैट इज 7 एंड 187, और प्राइवेट की है 21 एंड 187। अब लेट से मुझे एक मैसेज दिया हुआ है और मैसेज है मेरे पास में 88। अब मुझे अगर इंक्रिप्शन करना है तो इंक्रिप्शन कैसे करूँगा। ओके, मुझे बताया कि इंक्रिप्शन का फॉर्मूला क्या है, इंक्रिप्शन मैं करता हूँ यूजिंग द पब्लिक की। ओके, तो इंक्रिप्शन करने के लिए, यानी कि साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैसेज को, मैं क्या करता हूँ, मैसेज की पावर ई मॉड एन, या मैं क्या लिख सकता हूँ, मैसेज है 88, ई है 7, मॉड एन है मेरा 187। ओके, जब इसको कैलकुलेट करूंगा तो साइफर टेक्स्ट आएगा, इसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। तोड़ इसको कैलकुलेट करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, 88 टू द पावर 4 मोड 187 इंटू 88 टू द पावर 2 मोड 187 इंटू 88 मोड 187। ओके, तो 1 पावर 2 पावर एंड 4 पावर, दैट बिकम्स 88 टू द पावर 7, सो दिस विल कम आउट टू बी 11।
ओके सी इक्वस टू 11, यू कैन कैलकुलेट दिस, ये दिस विल कम सी इक्वस टू 11। अब आपको डिक्रिप्शन करना है, तो डिक्रिप्शन कैसे करते हैं, डिक्रिप्शन करने के लिए हम कहते हैं मैसेज में कन्वर्ट करने के लिए साइफर टेक्स्ट को, फाइनली हम क्या करते हैं सी की पावर डी मोड एन। अब सी है आपके पास में 11, ओके 11 टू द पावर डी, डी क्या है 21, तो आप प्राइवेट की से डिक्रिप्शन कर रहे हो मोड 187, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो फाइनली आपके पास में ओरिजिनल मैसेज आ जाएगा, मैसेज क्या आएगा ओरिजिनल एम इक्वस टू 88, ओके इसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, ये आपका काम है 88 आएगा जो आपका फाइनली मैसेज था। डिक्रिप्शन करने के बाद में आपका वही मैसेज आना चाहिए जो इनक्रिप्ट करने से पहले था, ओके तो ऐसे इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होगा। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल ऑन आरएसएल एल्गोरिथम। सो लेट्स से फर्स्ट आई विल चूज टू प्राइम नंबर्स सेलेक्ट, पहला स्टेप है सेलेक्ट टू प्राइम नंबर्स। सो प्राइम नंबर्स लेट्स से मैंने चूज किया पी इक्वस टू 53 एंड क्यू इक्वस टू 59, ओके सेकंड मुझे फाइंड आउट करना है एन, कैलकुलेट एन इक्वस टू पी इंटू क्यू। सो आएगा 53 इंटू 59 दैट इज 3127, ओके उसके बाद भी मुझे ई चूज करना है, उसके बाद लेट्स से फाई एन, फाई एन भी फाउंड आउट करना है, कैलकुलेट फाई एन और वन निकालते हैं हम पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन। सो ई आएगा 52 इंटू 58, सो 52 इंटू 58 आएगा आपका 3016, ओके सो ये फाइन आ गया है। अब फाइनली आपको फाइंड आउट करना है ई, सेलेक्ट ई, ये इंपॉर्टेंट है, सेलेक्ट ई सच दैट के ई का जी सी डी ऑफ ई एंड फाई एन शुड बी 1, ओके मतलब इनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो, ई में जो आप नया फाइंड आउट करने वाले हो ई और जो फाई एन आया है इन दोनों में कोई रिलेशन ना हो, यानी कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, यही इस एल्गोरिथम की स्ट्रेंथ है, ओके तो लेट्स से आपने ई चूज किया 3 और ई आप जो चूज करोगे वो 1 के और फाई एन के बीच में होना चाहिए, तो आप मिनिमम से स्टार्ट करना है, 1 तो नहीं ले सकते हैं, 2 भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर 2 लोगे तो इन दोनों में ई में और 3016 में 2 कॉमन आ जाएगा, फैक्टर क्या आएगा 2 भी कॉमन फैक्टर आ जाएगा, क्योंकि 3016 को 2 भी डिवाइड कर रहा है और 2 को 2 तो डिवाइड कर ही रहा है, हम कह रहे हैं कॉमन फैक्टर जो है 1 ही होना चाहिए, लेकिन इस केस में जीसीडी जो है वो 2 हो जाएगा। लेकिन अगर आप ई इक्वल टू 3 लेते हो तो 3 में और 3016 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि ये 3 से डिवाइड डिविजिबल नहीं है, तो ई में और फाई एन में सिर्फ एक ही कॉमन डिविजर है, वो है 1, ओके क्योंकि 1 तो हर किसी को डिवाइड करता ही है। सो आपने ई इक्वल टू 3 फाइंड आउट कर लिया है, अब अगला काम है आपका डी फाइंड आउट करना, और जो आप डी फाइंड आउट करोगे वो ई पे ही डिपेंड करेगा। डी कैसे फाइंड आउट करते हैं, डी फाइंड आउट करते हैं जैसे मैंने अभी बताया डी इक्वल टू ई की पावर ई माइनस ई इनवर्स मोड फाई एन, ठीक है ई इनवर्स मोड फाई एन को आप ऐसे ही बोल सकते हो कि ई डी इक्वल टू 1 मोड फाई एन, ठीक है, या फिर इसी चीज़ को आप ऐसे ही बोल सकते हो कि डी इक्वल्स टू, अगर आप मोड देखते हो तो मोड का मतलब यही है के इंटू फाई एन प्लस 1 डिवाइड बाई ई, ठीक है आपको फाई एन भी पता है, फाई एन आया है आपका 3016, आपको ई भी पता है, आपको निकालना है के, आपको के ऐसा निकालना है जिससे कि ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, ये पूरा का पूरा ई से डिवाइड हो जाए, कोई भी फ्रैक्शनल नंबर ना आए, तो लेफ्ट से मैं निकालने की कोशिश करता हूँ के इंटू फाई एन है मेरे पास 3016 प्लस 1 डिवाइड बाय ई है जो मैंने चूज किया है 3। अब मैं कोई ऐसा नंबर चूज करता हूँ कि लेट से k इक्वल टू 1 रखा, तो k इक्वल टू 1 रखने के बाद में ये हो गया 3017, 3016 प्लस 1 दैट इज 3017 जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर मैं k इक्वल टू 2 लेता हूँ तो ये बन जाएगा ऊपर दैट विल बी 6032। तो जब आप उसमें प्लस 1 करोगे तो बन जाएगा 6033, तो दिस इज डिविजिबल बाय 3, ओके सो वी कैन टेक k इक्वल टू 2, तो जब मैं k इक्वल टू 2 लूंगा तो ये बन जाएगा d इक्वल टू 2 इंटू 3016 प्लस 1 डिवाइड बाय 3, सो दिस विल बिकम 6033 डिवाइड बाय 3 दैट मीन्स 2011, सो d आया है आपका 2011, ठीक है बस ये चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी होती है, E जो पब्लिक की है और D जो प्राइवेट की है, ओके तो इन क्लब पब्लिक की और प्राइवेट की फाइंड आउट करने के बाद में आप फाइनली किसी मैसेज को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सकते हैं। सो लेट्स से मेरे पास में एक मैसेज है और उस मैसेज को मुझे इनक्रिप्ट करना है यूजिंग द RSA एल्गोरिथम, और मैसेज है मेरा हाय, दिस इज माई मैसेज हाय,
और मुझे ये इनक्रिप्ट करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ इनक्रिप्ट? हाई की मुझे पता है कि ये क्या है, कैरेक्टर की फॉर्म में, तो सबसे पहले मैं इसको नंबर की फॉर्म में लिखूंगा। ओके, पहला काम यही होता है, हम कैरेक्टर्स को नंबर की फॉर्म में लिखते हैं। तो एच का मतलब है 8 एंड आई का मतलब है 9, तो मैसेज हो गया आपका 89। ठीक है, अभी मैं इसको इनक्रिप्ट करता हूँ। इनक्रिप्ट करने के लिए क्या करते हैं, लेट्स से मैं इनको इसको इनक्रिप्ट करता हूँ 89 को। तो इनक्रिप्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सी इक्वस टू एम टू द पावर ई मॉड एन, दैट मीन्स सी इक्वस टू मैसेज है 89, ई मेरे पास में आया था जो हमने अभी कैलकुलेट किया था 3। ठीक है, 89 टू द पावर 3 मोड एन क्या आया था हमारा 3127। ओके, ई है, एन है हमारा 3127। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो सी इक्वस टू आएगा 1394। ओके, ये आपका सी आएगा। अब मुझे डिक्रिप्ट करना है, तो डिक्रिप्ट कैसे करेंगे, इसी मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए मैसेज इक्वस टू साइफर टेक्स्ट टू द पावर डी मोड एन, डी क्या है, प्राइवेट की है। तो जब मैं इसको डिक्रिप्ट करूंगा तो मैसेज आएगा सी है 1394 इसकी पावर 2011 मोड 3127। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर के थ्रू तो मैसेज आएगा 89। ओके, क्योंकि मेरा मैसेज क्या था 89, तो डिक्रिप्ट होने के बाद में वही मैसेज आना चाहिए। फाइनली आपको पता है कि एम का मतलब 8 का मतलब है एच और आई का मतलब है 9 का मतलब है आई, तो आपका फाइनल मैसेज आएगा हाई रिसीवर रिसीवर साइड में, डिक्रिप्ट होने के बाद में उसको मिलेगा हाई, तो बीच में कोई इसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता है। तो यही स्ट्रेंथ है इस RSA एल्गोरिथम की। तो नेट में एक ऐसा ही बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है, ये लेट से ये गेट का एक क्वेश्चन है, गेट 2015 और 16 का क्वेश्चन है। तो दिस क्वेश्चन इज सेइंग इन द RSA पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम द प्राइवेट एंड पब्लिक कीज आर EN एंड DN। ओके, सो इसने क्या किया हुआ, इसने तो उनको चेंज किया हुआ है एक्चुअली पब्लिक की जो है वो EN होती है और प्राइवेट की DN होती है, तो उसने उल्टा कर दिया है। वेयर एन इक्वल्स टू पी इंटू क्यू एंड पी एंड क्यू आर लार्ज प्राइम्स, जो हमें पता है बिसाइड्स एन इज पब्लिक एंड पी क्यू आर प्राइवेट। ओके, लेट एम बी एन इंटीजर सच दैट एम इज बिटवीन जीरो एंड एन। ओके, एंड फाई एन इक्वल्स टू पी माइनस वन एंड क्यू माइनस वन, तो इसने सब कुछ दिया हुआ जो हम कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल में। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशंस, एम डैश इक्वल्स टू एम टू द पावर ई मोड एन, ये क्या हो रहा है, इंक्रिप्शन हो रहा है। उसके बाद में एम इक्वल्स टू एम, इसको एम डैश को कन्फ्यूज मत करना, यहाँ पे एम डैश है वो सी के इक्वल ही है जो हम सी यूज कर रहे हैं। ओके, नाम कुछ भी हो सकता है, सी सी इक्वस टू एम टू द पावर ई मोड एन, तो यहाँ पे भी कह रहा है कि सी इक्वस टू, इसको मान लो कि सी है, सी इक्वस टू एम टू द पावर ई मोड एन, एम इक्वस टू सी टू द पावर डी, ठीक है, ये क्या था, सी सी टू द पावर डी मोड एन, तो ये क्या हो रहा है, डिक्रिप्शन हो रहा है। पब्लिक की से इंक्रिप्शन कर रहे हैं और प्राइवेट की से डिक्रिप्शन कर रहे हैं। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से विच ऑफ द अबोव इक्वेशंस करेक्टली रिप्रेजेंट द RSA क्रिप्टो सिस्टम, तो पहला तो सही है, ये तो इक्वेशन से यह है इंक्रिप्शन करने के लिए और यह है डिक्रिप्शन करने के लिए। फर्स्ट में और फोर्थ में क्या डिफरेंस है, फर्स्ट एंड फोर्थ बिल्कुल सेम ही है, लेकिन एक गलती है फोर्थ में, फोर्थ में ये फाई एन से मोड कर रहा है, एक्चुअल में मोड किससे होता है, एन से होता है, ना कि फाई एन से, इसकी वजह से ये ऑप्शन गलत है। अब सेकेंड कह रहा है कि ई डी इक्वस टू वन मोड एन या फिर ई डी इक्वस टू मोड फाई एन, अब यहाँ पे इन दोनों में क्या डिफरेंस है, फाई एन एंड एन का डिफरेंस है। और अगर आप ध्यान से देखो तो जब हम ई फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं, ई डी इक्वस टू मोड फाई एन करते हैं। ओके, ई डी इक्वस टू वन मोड फाई एन, ना कि एन, तो सेकेंड ऑप्शन इज रॉन्ग एंड थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन, ई डी इक्वस टू वन मोड फाई एन, हम जब डी फाइंड आउट करते हैं, तो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट ऑप्शंस, सो बी इज द राइट आंसर। तो सिंपल, अगर आपको इक्वेशंस पता है RSA एल्गोरिथम की तो भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। सेकंड केस, सेकंड क्वेश्चन भी RSA एल्गोरिथम पे, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि द प्लेन टेक्स्ट मैसेज बाही बी ए एच आई आपका एक मैसेज है और आपको इंक्रिप्ट करना है RSA एल्गोरिथम से, इंक्रिप्टेड विद RSA एल्गोरिथम यूजिंग ई डी एन, सब कुछ दिया हुआ है आपके पास में, पब्लिक की भी दी हुई है, प्राइवेट की भी दी हुई है और एन भी दिया हुआ है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एंड द कैरेक्टर्स ऑफ द मैसेज आर इंक्लूडिंग यूजिंग द वैल्यूज 00 to 25। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, इस क्वेश्चन में 0 to 25 की जगह पे 01 to 26 है। ओके, 1 to 26 है फॉर लेटर्स ए टू जेड, मतलब क्या है कि ए का मतलब है 01, बी का मतलब है 02, सी का मतलब है 03, इसी तरह से जेड का मतलब है 26, तो ये इसका मतलब ये है कैरेक्टर्स का। सपोज कैरेक्टर बाई कैरेक्टर इंक्रिप्शन वॉज इम्प्लीमेंटेड देन द साइफर टेक्स्ट मैसेज इज वॉट, साइफर टेक्स्ट फाइंड आउट करना है हमें कैरेक्टर बाई कैरेक्टर, यानी कि पहले मैं अगर बी लेता हूँ
तो पहले बी के लिए साइफर टेक्स्ट फाइंड आउट करूंगा। बी का साइफर टेक्स्ट क्या होगा? 02। बी का मतलब क्या है? 02। ओके, बी 02 है। तो साइफर टेक्स्ट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, सी इक्वल्स टू एम टू दी पावर ई मोड एन। तो साइफर टेक्स्ट इक्वल्स टू मैसेज है मेरा 02, क्योंकि एम का मतलब है 02। ये नंबर्स क्यों दिए हुए हैं इसके, 1 to 26, ये इसीलिए दिए गए हैं कि क्योंकि आप बी बी की पावर थोड़ा ना कुछ कर सकते हो, आप कैरेक्टर्स को नंबर्स में कन्वर्ट करोगे। तो उसने कहा है कि जब कैरेक्टर्स को नंबर्स में कन्वर्ट करोगे तो सिंपली ये करना है कि ए का मतलब 01 और बी का मतलब 02। ओके, तो सी इक्वल्स टू एम है आपका 02, यानी कि बी का साइफर टेक्स्ट क्या होगा, 02 टू द पावर ई दैट इज 3 मोड एन। एन क्या दिया हुआ है? 33। ठीक है, एन है 33। तो अब ये फाइंड आउट करोगे तो दिस इज 2 to the power 3 दैट इज 8 मोड 33। तो सी का जो बी के लिए जो साइफर टेक्स्ट आया वो है सी इक्वल्स टू 8। ओके, और 8 का मतलब क्या होता है, 8 को अगर आप इस वापस से इसमें कन्वर्ट करोगे तो 8 का मतलब होता है H। ओके, लाइक दिस, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो इसका मतलब दिया हुआ है कि इसका मतलब 1 है, इसका मतलब 2 है, 3 4, इसी तरह से इसका मतलब है 8। ठीक है, तो जहाँ 8 है उसका मतलब है H। ठीक है, तो साइफर टेक्स्ट आया H, यानी कि B कन्वर्ट हो गया है किसमें, H में। अब A को लेते हैं, A का मतलब है 01। ठीक है, A का मतलब है 01, दिस मीन C इक्वल्स टू 1 to the power 3 मोड 33। सो 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही आएगा, मोड 33, सो दिस विल बिकम 1। ओके, C इक्वल्स टू 1 आएगा, 1 मोड 33 क्या होता है, 1। तो 1 का मतलब क्या है, A, तो A आपका A ही रहेगा। ठीक है, A A ही रहेगा। अब H लेते हैं, H इक्वल्स टू क्या है, 8। ओके, H की वैल्यू है 8, क्योंकि H इज एट द 8th नंबर। तो हम निकालेंगे साइफर टेक्स्ट 8 की पावर 3 मोड 33। तो जब आप 8 की पावर 3 निकालोगे तो दिस विल कम आउट टू बी 512 मोड 33। दैट मीन्स C इक्वल्स टू 17। ठीक है, जब आप 512 मोड 33 करोगे, मोड का मतलब क्या है, अगर आपको मोड का मतलब नहीं पता है तो मैं मोड का मतलब बता देता हूँ। मोड का मतलब है कि जो रिमाइंडर बचेगा, 512 को 33 से जब डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको बोलते हैं मोड। लेट से 33 बन जाए 33, जब आप इसको करोगे तो आएगा ये 11 minus 3 is 8 एंड दिस विल बी 3 minus 3 is 0, सो 82। देन 33 into 33 दैट विल बी नॉट 3, दैट विल बी 2, लेट से इट विल कम 66। ओके, एक्चुअली इट विल कम 182, दिस विल बिकम 182 बिकॉज 4 minus 3 equals to 1, सो 182। नाउ यू विल सॉल्व दिस विद 182, सो दिस विल कम 65, सो यू विल डिवाइड 5 टाइम्स, दिस विल कम आउट टू बी 15 16, that means 12 minus 5 is 7 and 7 minus 6 is 1, so remainder will come 17. This is the operation mode. So if you say something like this, 512 mod 33, this means that when you divide 512 by 33, what is the remainder? So this, the answer of this will be remainder. Okay, so that's why now when you write the power of 8 to the power 3, okay, not this one, 512 mod 33, that will come out to be 17. Now I means 9. So when you do ciphertext of 9, this will become 9 to the power 3 mod 33. Okay, and this will come out to be 3. Okay, and this means C. So the answer is this H becomes 17. 17 means Q. Okay. H A Q and I becomes C. So the answer is H A Q C, option B. Okay, like this you can solve the questions. So next question is also from the previous year, and this question is P is given 3, Q is given 13, D is given 7 and E is given 3. In the RSA algorithm, what is the value of ciphertext for a plaintext 5? तो आपको plaintext दिया हुआ है, message दिया हुआ है 5. अब आपको उसको ciphertext में convert करना है. तो ciphertext में convert करने के लिए आप क्या करते हैं? आप करते हो ciphertext to the power, यानी कि message to the power e mod n.
तो सबसे पहले आपको n फाइंड आउट करना है, और n होता है n इक्वल्स टू p इंटू क्यू, और p दिया हुआ है 3 और q दिया हुआ है 13, सो n विल बिकम 3 इंटू 13, दैट इज 39. ओके, सो c इक्वल्स टू मैसेज इज 5 एंड e इज गिवन 3, 5 टू द पावर 3 मोड 39. ओके, सो यू कैन सॉल्व दिस 125 मोड 39, एंड वॉट एवर विल बी द रिमाइंडर विल बी द answer. So you can see why 125 when you divide this by 39, so this will become let's say you can divide this 3 times, 15 minus 7 is 8. Okay, so answer will come, ciphertext will come 8. Okay, and none of the answer is matching. Actually this question was a scrap because none of the options were matching. Fine, correct answer is 8. Now the next question is saying, using public key cryptography, X adds a digital signature sigma to message M, encrypts this message and sends it to Y, where it is decrypted. Which one of the following sequence of keys is used for the operations? So अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम सिर्फ encryption और decryption कर रहे थे, लेकिन इसने एक चीज़ और add कर दी है, digital signature. तो कभी कभी क्या होगा, हम user को authenticate करने के लिए हम digital signature use करते हैं. Digital signature मतलब use कहाँ करते हैं, let's say मैंने कुछ send किया, लेट्स एक पर्सन ए ने पर्सन बी को कुछ सेंड किया. अब पर्सन बी के पास में कोई तरीका होना चाहिए जानने के लिए कि सच में पर्सन ए ने ही सेंड किया है, यूज़र को ऑथेंटिकेट करने के लिए, मतलब ये वेरीफाई करने के लिए कि जो यूज़र क्लेम कर रहा है कि मैंने भेजा है वो उसी यूज़र ने भेजा है. ठीक है, तो दोनों आइडेंटिटी, जो सेंडर है और रिसीवर, दोनों को ऑथेंटिकेट करने के लिए हम डिजिटल सिग्नेचर यूज़ करते हैं. क्योंकि कल ऐसा हो सकता है कि सेंडर ये बोल दे कि मैंने ये चीज़ नहीं सेंड की थी, या फिर रिसीवर ये बोल दे कि मुझको रिसीव हुआ ही नहीं है. ठीक है, तो दोनों चीज़ को इंश्योर करने के लिए हम डिजिटल सिग्नेचर यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप लेट्स से अमेजन से कुछ खरीद रहे हो और आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया, तो कल अगर आप ये बोलते हो कि मैंने ऑर्डर प्लेस नहीं किया था, तो एक्चुअल में अमेजन के पास में एक प्रूफ है कि ऑर्डर आपने प्लेस किया है, क्योंकि उसके पास में आपका डिजिटली साइंड एक ऑर्डर है. जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपका डिजिटल सिग्नेचर उस ऑर्डर में ऐड हो जाएगा, उससे वो वेरीफाई कर सकता है. ठीक है, अगर आप लेट से रिसीवर ने कुछ चीज़ रिसीव कर ली है और वो जो है उसको डिनाई करता है कि मैंने लेट से आपके पास में ऑर्डर आ गया और आपने ऑर्डर रिसीव भी कर लिया और बाद में आप बोलते हो कि मुझे रिसीव नहीं हुआ है ऑर्डर, तो भी अमेजन के पास में ये एक अच्छा वेरीफाई करने का तरीका है डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू, वो वेरीफाई कर लेगा. क्योंकि आप क्या करते हो, जिस टाइम कुछ चीज़ रिसीव करते हो तो जो आपको चीज़ हैंड ओवर करेगा कॉरियर गाय दैट विल टेक योर साइन. ओके, सो जब आप डिजिटल सिग्नेचर यूज़ करते हो तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कैसे होगा. ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान देना. तो पहले इनिशियली आप क्या करते हो, लेट्स से आपके पास में ही मैसेज था. ठीक है, ये आपका मैसेज था. सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जब आप डिजिटल सिग्नेचर के साथ में इंक्रिप्शन कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, पहले अपना डिजिटल सिग्नेचर ऐड करोगे इस मैसेज में. ठीक है, सेंडर क्या करेगा, अपना डिजिटल सिग्नेचर ऐड करेगा. वो डिजिटल सिग्नेचर पहले कंपोज करेगा. डिजिटल सिग्नेचर कंपोज कैसे करेगा, ये मैसेज था, इस मैसेज पे एक हैश फंक्शन लगाएगा. हैश फंक्शन क्या करेगा, इस मैसेज को अनरीडेबल फॉर्म में बना देगा. यानी कि जो मैसेज होगा तो प्लेन टेक्स्ट में होगा और इसका एक ऐसा फॉर्म निकाल देगा जो अनरीडेबल फॉर्म में, एक अजीब सी फॉर्म होगी. अब आपके पास में एक हैश मिल गया, आपको इस मैसेज का एक हैश मिल गया है, ये लेट से वो हैश है. ठीक है, ये वो हैश था. अब आपने क्या किया, इस हैश को इनक्रिप्ट किया. आप इस हैश को, इस मैसेज, इस जो ये जो हैश है, इसको इनक्रिप्ट करोगे यूजिंग सेंडर्स प्राइवेट की. क्योंकि सेंडर अपने डिजिटल सिग्नेचर ऐड कर रहा है तो वो अपनी प्राइवेट की से इसको इनक्रिप्ट करेगा यूजिंग सेंडर्स प्राइवेट की. तो पहले सेंडर ने क्या किया, इस मैसेज का एक हैश कैलकुलेट किया और उसको इनक्रिप्ट कर दिया. ठीक है, अब आपको फाइनली एक डिजिटल सिग्नेचर बन गया है. ठीक है, आपको एक डिजिटल सिग्नेचर मिल गया. अब आप क्या करोगे, उस डिजिटल सिग्नेचर को अपने मैसेज के लास्ट में एक्सपेंड कर दोगे. ठीक है, ये आपका मैसेज था. ठीक है, और मैसेज के लास्ट में आपने क्या किया, इसी सिग्नेचर को एक्सपेंड कर दिया है. ठीक है, उसी मैसेज को ऐड कर दिया है, इस सिग्नेचर को ऐड कर दिया. तो ये आपका मैसेज था और मैसेज के एंड में ही क्या है, आपका डिजिटली साइंड सिग्नेचर है. ठीक है, ये सिग्नेचर हो गया. अब आप क्या करोगे, इस कंप्लीट मैसेज को इनक्रिप्ट करोगे.
ठीक है, अब इंक्रिप्शन स्टार्ट होगा। अभी तक तो आपने सिर्फ अपने साइन ऐड किए हैं उस डॉक्यूमेंट के साथ में, अब आप इंक्रिप्ट करोगे। इसको इंक्रिप्ट कैसे करेंगे? हमेशा की तरह सेंड रिसीवर की पब्लिक की से, अब आप इसको इंक्रिप्ट करोगे। इंक्रिप्शन यूजिंग जैसे पहले करते थे रिसीवर्स पब्लिक की, क्योंकि रिसीवर को इसको डिक्रिप्ट करना है तो रिसीवर अपनी प्राइवेट की लगा के इसको डिक्रिप्ट कर सकता है यूजिंग रिसीवर्स पब्लिक की, क्योंकि सेंडर के पास में रिसीवर की प्राइवेट की नहीं होगी, सेंडर के पास में सिर्फ रिसीवर की पब्लिक की होगी। जैसे मैंने बताया पब्लिक की सबको पब्लिकली अवेलेबल है एक दूसरे की, लेकिन प्राइवेट की सबकी अपने अपने पास है, सिर्फ वो पब्लिक की ही अनाउंस करते हैं। अब क्या होगा, ये मैसेज पहुंचेगा रिसीवर साइड में। अब ये इंपॉर्टेंट है, रिसीवर साइड में पहुंचने के बाद में पहले क्या होगा, पहले तो आपका मैसेज डिक्रिप्ट होगा। ओके, ये जो मैसेज पहुंचा है इधर साइफर टेक्स्ट, जो मैसेज था आपका वो साइफर टेक्स्ट बन गया है, वो आप इस साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करोगे। ठीक है, डिक्रिप्शन होगा पहले, पहले क्या होगा डिक्रिप्शन। हमेशा याद रखना दो चीज़ें होंगी यहाँ पे, पहले सेंडर अपना सिग्नेचर ऐड करेगा मैसेज में, उसके बाद में उसको इनक्रिप्ट कर देगा पूरे मैसेज को सिग्नेचर के साथ में। अब आप क्या करोगे, रिसीवर साइड में पहुंचने के बाद में दो चीज़ें होंगी, पहली चीज़ मैसेज डिक्रिप्ट होगा और दूसरी चीज़ सिग्नेचर को वेरीफाई करोगे आप। सिग्नेचर को वेरीफाई कैसे करोगे, आपके पास में सेंडर की पब्लिक की है और सेंडर ने अपनी प्राइवेट की से उसको डिजिटली साइन किया हुआ है मैसेज को, तो रिसीवर क्या कर सकता है सेंडर की पब्लिक की लगा के उस मैसेज उस सिग्नेचर को वेरीफाई कर लेगा कि हाँ उसी ने सेंड किया है जो जो क्लेम कर रहा है। तो डिक्रिप्शन कैसे होगा, पहले मैसेज डिक्रिप्ट होगा और डिक्रिप्ट हमें पता है कैसे होता है, रिसीवर की प्राइवेट की से, रिसीवर्स प्राइवेट की से डिक्रिप्ट होगा। अब डिक्रिप्ट होने के बाद में आपके पास में मैसेज मिल गया आपको इस तरह के फॉर्म में, जो ये मैसेज था। ओके, ये मिल गया आपको डिक्रिप्ट होने के बाद में, अभी तक ये मिला है आपको, सिग्नेचर अभी भी ऐसे ही है डिक्रिप्टेड फॉर्म में। अब आपको क्या करना है, सिग्नेचर वेरीफाई करना है, तो सिग्नेचर वेरीफाई कैसे करोगे, ऑथेंटिकेशन होगा, ऑथेंटिकेशन किससे, डिजिटल सिग्नेचर से, जो सेंडर ने अपने सिग्नेचर ऐड किए थे, अब ये रिसीवर उसको वेरीफाई करेगा कि सिग्नेचर वही है या नहीं है। तो ऑथेंटिकेट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सेंडर की पब्लिक की। अब रिसीवर को पता कैसे चलेगा कि ये सिग्नेचर एक्चुअल में सेंडर की ही है, वो पता ऐसे चलेगा कि सेंडर ने उसकी अपनी प्राइवेट की से उसको सिग्नेचर ऐड किए हैं और रिसीवर क्या करेगा, सेंडर की ही पब्लिक की लगा के उसको ऑथेंटिकेट कर लेगा। अगर रिसीवर के पास में पब्लिक की किसी और की है और इनक्रिप्ट जिसने प्राइवेट जिसने डिजिटल सिग्नेचर ऐड किए हैं वो किसी और के हैं, तो वेरीफाई ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पब्लिक की और प्राइवेट की का कॉम्बिनेशन एक साथ चलता है। ओके, सेंडर्स पब्लिक की, ठीक है। तो पूरी प्रोसेस ऐसे हुई, पहले मैसेज पे आपने साइन किया, साइन करने के बाद में पूरे मैसेज को इनक्रिप्ट कर दिया, रिसीवर साइड में पहुंचा, रिसीवर ने पहले मैसेज को डिक्रिप्ट किया, फिर उसके अंदर से साइन को एक्सट्रैक्ट किया, साइन को वेरीफाई किया। तो कैसे कैसे चीज़ें हुई, पहले सेंडर ने अपनी प्राइवेट की लगा के उसको सिग्नेचर ऐड किए, फिर पब्लिक की रिसीवर की पब्लिक लगा के उसको इनक्रिप्ट किया मैसेज को। जब डिक्रिप्शन हुआ तो रिसीवर ने अपनी प्राइवेट की लगा के मैसेज को डिक्रिप्ट किया, फिर रिसीवर ने सेंडर की पब्लिक की लगा के सिग्नेचर को वेरीफाई किया। अब ये जो क्वेश्चन है ये गेट 2016 का है और ये क्वेश्चन सिंपल सी चीज़ यही पूछ रहा है कि यूजिंग पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एक्स एड्स अ डिजिटल सिग्नेचर सिग्मा टू मैसेज एम, मैसेज में पहले उसने डिजिटल सिग्नेचर ऐड किए उसके बाद में मैसेज को इनक्रिप्ट कर दिया, इनक्रिप्ट मैसेज विद डिजिटल सिग्नेचर, सिग्मा क्या है डिजिटल सिग्नेचर, तो मैसेज और डिजिटल सिग्नेचर को उसने इनक्रिप्ट कर दिया, उसके बाद उसने सेंड किया वाई को जो कि रिसीवर था, वेयर इट इज डिक्रिप्टेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेंस ऑफ कीज इज यूज फॉर द ऑपरेशंस। तो की अगर आपको सिक्वेंस याद हो, पहले क्या था, पहले आपने सेंडर की प्राइवेट की से डिजिटल सिग्नेचर ऐड किए थे, यानी कि एक्स की प्राइवेट की लगी पहले, फिर एक्स ने रिसीवर की पब्लिक की लगाई, एक्स ने रिसीवर की पब्लिक की लगाई उस मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए। तो पहले होगा, इस पहला ऑप्शन कह रहा है कि एक्स प्राइवेट की फॉलोड बाय वाई प्राइवेट की, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि एक्स की प्राइवेट की लगने के बाद में क्या हो रहा है, एक्स की प्राइवेट की लगने के बाद में, यानी कि सेंडर की प्राइवेट की, सेंडर क्या है वहाँ पे एक्स, एक्स की प्राइवेट की लगने के बाद में रिसीवर की पब्लिक की लग रही है, उसके बाद में रिसीवर की प्राइवेट की एंड सेंडर की पब्लिक की। तो ऑप्शन बी कह रहा है कि एक्स की प्राइवेट की फॉलोड बाय वाई की पब्लिक की, ये तो सही, यहाँ तक सही है, डिक्रिप्शन होने के टाइम पे एक्स की पब्लिक की एंड फॉलोड बाय वाई की प्राइवेट की, दिस इज रॉन्ग। ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, पहले तो एक्स ने अपनी डिजिटल सिग्नेचर ऐड कर दी, उसके बाद इनक्रिप्ट कर दिया, यहाँ तक तो सही था सेंडर साइड तक, लेकिन डिक्रिप्शन के टाइम पे क्या होगा, एक्स पब्लिक की, यानी कि पहले ये सिग्नेचर को वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद में इसको डिक्रिप्ट करने की कोशिश कर रहा है, एक्चुअल में
इन मैसेज को इनक्रिप्ट करने डिक्रिप्ट करने के बाद ही तो आप सिग्नेचर देख पाओगे। ओके पहले तो मैसेज को डिक्रिप्ट करना होगा। डिक्रिप्ट कैसे करोगे, रिसीवर अपनी प्राइवेट की लगा के इसको डिक्रिप्ट करेगा। इसमें क्या है, एक्स पब्लिक की, सो दिस इज रॉन्ग। इनक्रिप्शन तुम पब्लिक की से करते ही हैं, डिजिटल सिग्नेचर जो ऐड करेंगे वो प्राइवेट की से करेंगे। डी कह रहा है कि एक्स अपनी प्राइवेट की लगा के डिजिटल सिग्नेचर लगाएगा, फिर अब रिसीवर की पब्लिक की से उसको इनक्रिप्ट कर देगा मैसेज को, जो डिजिटल सिग्नेचर के साथ में मैसेज बना है नया। अब डिक्रिप्शन के टाइम पे क्या होगा, वाई अपनी प्राइवेट की लगा के मैसेज को इनक्रिप्ट कर लेगा, उसके बाद में एक्स की पब्लिक की से उस सिग्नेचर को वेरीफाई कर लेगा। यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैसेज कंप्यूटर नेटवर्क इनक्रिप्टेड यूजिंग कॉलमनार ट्रांसपोजिशन। ओके कॉलमनार ट्रांसपोजिशन ये एक इनक्रिप्शन टेक्निक है, बहुत ही पुरानी, जो हम यूज नहीं करते अब। साइफर विद ए की लेयर, ओके लेयर एज ए की यूज करना है। द इनक्रिप्टेड मैसेज इज वॉट, तो एक्चुअल में इसमें क्या होगा, जो ट्रांसपोजिशन साइफर होता है इसमें हम क्या करते हैं, आपको मैसेज दिया होगा, लेट्स से मैसेज इज लेट्स से माय नेम, ओके दिस इज मैसेज, ठीक है ये मैसेज है, और की है लेट्स से की दी गई है आपको 53421, ये की है। ओके तो हम क्या करते हैं, मैसेज को कॉलम्स की फॉर्म में लिख लेंगे, और एक कॉलम में एक रो में उतने ही कॉलम्स होंगे जितनी की में कैरेक्टर्स हैं, 5 कैरेक्टर्स हैं, तो दो आपके कॉलम्स जो बनेंगे वो ऐसे बनेंगे ए बी डी यू एल, उसके बाद में के ए डी आई आर, ठीक है, और इनके ऊपर लिखा हुआ है की, दैट इज 53421। ये की ये बताएगी कि पहले किसको रीड करना है, तो आप की के अकॉर्डिंगली रीड करोगे, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड फिर फोर्थ फिर फिफ्थ। तो आप मैसेज जब लिखोगे तो इस फॉर्म में लिखोगे, पहले क्या है 1 दैट इज एल आर, तो पहले आप इसको लिखोगे एल आर, फिर यू आई, उसके बाद में बी ए, फिर डी डी, उसके बाद में ए के। तो मेरा जो मैसेज, जो मेरे नाम का इनक्रिप्टेड मैसेज बनेगा वो बन जाएगा ये। ओके तो इसी तरह क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया कि कंप्यूटर नेटवर्क, एक आपके पास में मैसेज दिया हुआ है कंप्यूटर नेटवर्क, एंड की दी गई है लेयर। ओके लेयर एक की है, की में कितने कैरेक्टर्स हैं, 5 कैरेक्टर्स, तो उस कंप्यूटर नेटवर्क को 5-5 कैरेक्टर्स के कॉलम्स में लिख लो, जैसे कि यह है की, और की के नीचे लिखना है सी ओ एम पी यू टी ई आर एन ई के नेट वर्क, ये हो गया है। अब आप उसको रीड कैसे करोगे, रीड करोगे पहले ए को रीड करोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहला कैरेक्टर कौन है ई, ई के ए के बाद में क्या आता है ई, ई के बाद में आता है एल, एल के बाद में आर, उसके बाद में लास्ट में वाई, तो आप ऐसे चूज करोगे 1 2 फिर थर्ड एल फोर्थ आर एंड फिफ्थ वाई, ठीक है। तो आप जो साइफर टेक्स्ट आएगा वो आएगा पहले ए को रीड करना है कॉलम वाइज ए ओ ई डब्ल्यू, फिर आप रीड करोगे इसको ई पी एन आर, फिर थर्ड टाइम पे यूज करोगे आप एल सी टी टी एल सी टी टी, फोर्थ है आपका आर यू ई के, एंड फिफ्थ होगा वाई एम आर ओ। तो ये साइफर टेक्स्ट आया आपको कंप्यूटर नेटवर्क के इक्वावलेंट, ये साइफर टेक्स्ट होगा दैट इज ए ओ ई डब्ल्यू, दैट मीन्स सी ओ एम पी यू टी ई आर एन ई टी डब्ल्यू ओ आर के। सो फर्स्ट यू विल सी ओ ई डब्ल्यू, ओके सो दिस इज ओ ई डब्ल्यू, देन ई पी एन ओ ई डब्ल्यू, एंड देन सेकेंड इज ई पी एन, ओके ई पी एन, एंड देन पी एन आर, वॉट इज द रॉन्ग इन, ओके आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन, दैट इज मैंने की को भी रीड कर लिया है। ओके मैंने की को भी रीड कर लिया, आपको सिर्फ मैसेज को रीड करना है, इसीलिए इतना बड़ा हो रहा है। तो लेट्स ट्राई दिस अगेन, सिंपली क्या करना है आपको, पहले आपको लिखनी है की, और की के नीचे मैसेज लिखना है कॉलम्स की फॉर्म में, जैसे कि सी ओ एम पी यू टी ई आर एन ई टी डब्ल्यू ओ आर के, ओके कंप्यूटर नेटवर्क। अब आपको इस कॉलम वाइज रीड करना है, ये मैसेज है आपका और ये की है, तो की के अकॉर्डिंगली मैसेज को रीड करना है। इस की का काम यही है कि पहले ए को रीड करो, उसके बाद में ई को,
क्योंकि ए के बाद में ई आएगा, ई के बाद में एल आएगा इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, उसके बाद में आर, फिर वाई। सो पहले मैं रीड करता हूँ ए, दैट इज ओ ई डब्ल्यू, फिर मैं रीड करता हूँ पी एन आर, दैट इज ई, उसके बाद में थर्ड है एल, दैट इज सी टी टी, फिर आर, दैट इज यू ई के, और फाइनली वाई, एम आर ओ। ठीक है, ये आएगा मेरा साइफर टेक्स्ट इस मैसेज के लिए, कंप्यूटर नेटवर्क के लिए। सो ओ ई डब्ल्यू पी एन आर सी टी टी यू ई के एम आर ओ, सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। उसके बाद में इनक्रिप्ट द प्लेन टेक्स्ट मैसेज एक्स्ट्रा नेट यूजिंग ट्रांसपोजिशन साइफर टेक्निक विद द फॉलोइंग की, ये आपको की दी हुई है, और जेड एज ए बोगस कैरेक्टर। बोगस कैरेक्टर का मतलब क्या है कि जब भी आपके पास में की जो है उसकी लेंथ 5 है, तो बोगस कैरेक्टर आप यूज़ करोगे जो फाइनल जो जो एम्प्टी स्पेस बचेगा उसको फिल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको मैसेज लिखना है 1 2 3 4 5 इस फॉर्म में, ठीक है, ई एक्स टी आर ए, ठीक है, उसके बाद में एन ई टी, ओके, एक्स्ट्रा नेट आपने लिख लिया कॉलम्स की फॉर्म में, फिर जो फाइनल जो बचे हुए स्पेस है उनको आप भर दोगे जेड से, जेड एज ए बोगस कैरेक्टर। अब ये कह रहा है कि आपको रीड करना है इस फॉर्म में, पहले 3 को रीड करना है, फिर 5 को, फिर 2 को, फिर 1 को, फिर 4 को। सो पहले आपने 3 को रीड किया, 3 इज, पहले आपने 3 को रीड किया, दैट इज टी, ओके, 5 है आपका ए, ओके, फिर 2, 2 इज एक्स, उसके बाद में 3 5 2, देन 1 1 इज ई, फिर आपको रीड करना है 4 4 इज आर, ओके, टी ए एक्स ई आर, उसके बाद में फिर अगेन वही होगा, अगेन आपको इसी फॉर्म में रीड करना है, दैट इज पहले 5, पहले 3 3, दैट मीन्स टी, उसके बाद में 5 5 इज जेड, देन 2 2 इज ई, तो आपको कॉलम वाइज रीड करना है, ओके, देन 1 1 इज एन, एंड देन 4 4 इज जेड, सो दिस विल कम टी ए एक्स ई आर टी जेड ई एन जेड, दैट इज ऑप्शन वे ए इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ देर आर एन पीपल इन द वर्ल्ड एंड आर यूजिंग सीक्रेट की इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन फॉर प्राइवेसी पर्पज, देन नंबर ऑफ सीक्रेट की इज रिक्वायर्ड इज हाउ मेनी विल बी वॉट। सो हमारे पास में एन पीपल है इन द वर्ल्ड एंड आर यूजिंग सीक्रेट की इनक्रिप्शन, ये इंपॉर्टेंट है, यहीं पे आंसर है आपका। सीक्रेट की इनक्रिप्शन मतलब क्या यूज कर रहे हैं, प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी, सीक्रेट और प्राइवेट की मतलब सेम चीज है, प्राइवेट की इसका मतलब क्या है कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन सेम की से होगा। तो लेट से मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, अगर दो लोग हैं, दो लोगों के बीच, दुनिया के अंदर दो ही लोग हैं, उनको इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्निक यूज़ करनी है, तो कितनी की चाहिए होगी, एक की, एक प्राइवेट की, क्योंकि हम कहते हैं कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन सेम की से होगा। अब मान लो अगर दो लोग, तीन लोग हैं, इन तीन लोगों को आपस में इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्निक यूज़ करनी है, इसको इसके साथ में भी करना है और इसको इसके साथ में भी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करना है, तो क्या एक की इनफ है? अगर मैं एक की रखता हूँ तो क्या होगा, सी भी उस डेटा को डिक्रिप्ट कर सकता है जो ए और बी के बीच में ट्रांसमिट हो रहा है, ओके, और बी भी उस डेटा को रीड कर सकता है जो ए और सी के बीच में ट्रांसमिट कर रहा है, ए भी उस डेटा को रीड कर सकता है जो बी और सी के बीच में ट्रांसमिट कर रहा है, तो एक की तो इनफ नहीं है, ठीक है, इसीलिए क्योंकि पायरेट अगर इस ए और ए डेटा बी को रीड कर रहा है तो सिर्फ ये चाहता है कि बी ही उसको डिक्रिप्ट कर पाए, लेकिन सी भी डिक्रिप्ट कर लेगा अगर मैं एक ही की रखता हूँ, अगर मैं सी को भी वही की दे दूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए अगर तीन लोग हैं तो दो की चाहिए होंगी, ओके, अगर दो लोग हैं तो मुझे कितनी की चाहिए, एक, तीन लोग हैं तो मुझे की चाहिए होंगी दो, अगर चार लोग हैं तो कितनी की चाहिए होंगी, ठीक है, इन सबको आपस में कम्युनिकेट करना है। लेट से अगर मैं एक की रखता हूँ तो सारे एक दूसरे का डेटा रीड कर सकते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, दो की रखता हूँ, लेट से एक ए है जिसको ये दोनों कम्युनिकेट कर सकते हैं इस की के थ्रू, ठीक है, और एक बी है जिसके थ्रू ये दोनों कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, ये दोनों एक की यूज कर रहे हैं। अब क्या होगा, क्या ये दो की इनफ है? अगर इन दोनों को कम्युनिकेट करना है तो इनको एक सेम की यूज करनी पड़ेगी, ओके, जो पॉसिबल नहीं है।
अगर इन दोनों को कम्युनिकेट करना है तो सेम की यूज़ करनी पड़ेगी, इसलिए मुझे एक थर्ड की भी चाहिए होगी जो इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करे और इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करे, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है सबके सबके साथ हो सकते हैं, ठीक है इस तरह से। तो मुझे की चाहिए होगी, फोर पीपल के केस में थ्री कीज चाहिए होंगी, ठीक है, जो इन तीन का इनका कॉम्बिनेशन भी अलाउ कर दे, ठीक है। इन दोनों अगर ये कहता है कि मेरी की ए है तो तुम्हें भी ए ही यूज़ करनी है, तो अगर इसने इसको ए इस ये की ए यूज़ करने लग गया, अगर ये पी ए यूज़ करने लग गया तो ये वो भी कम्युनिकेशन रीड कर सकता है जो इन दोनों के बीच में हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके पास में प्राइवेट की है। अगर इसने ये कह दिया कि तुम बी यूज़ करो तो क्या होगा, अब ये दोनों तो कम्युनिकेट कर लेंगे लेकिन ये भी वो डेटा रीड कर सकता है जो इन दोनों के बीच में ट्रांसमिट हो रहा है, क्योंकि इसके पास में प्राइवेट की है, इसलिए मुझे इन दोनों को एक अलग की देनी पड़ेगी, ठीक है। तो चार लोगों में तीन की चाहिए होगी। इसी तरह से अगर एन पीपल है तो मुझे एन माइनस वन कीज चाहिए होंगी, ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड टू जनरेट अ मैसेज डाइजेस्ट बाय द फॉलोइंग नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स मैसेज डाइजेस्ट। तो मैसेज डाइजेस्ट निकालने के लिए हमारे पास में एल्गोरिथम्स है, हमें पता है कि आर एस ए जो है वो तो इंक्रिप्शन के लिए है, एस एच ए मैसेज डाइजेस्ट के लिए है, एम डी फाइव मैसेज डाइजेस्ट के लिए है, डी एस जो है वो भी इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है, तो दोनों इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है। एस एच ए वन एंड एम डी फाइव जो है, एम डी फाइव का तो नाम ही मैसेज डाइजेस्ट फाइव है, तो ये दो हम यूज़ करते हैं एक मैसेज का मैसेज डाइजेस्ट निकालने के लिए, जैसे मैंने बताया कि मैसेज को हैश में कन्वर्ट करने के लिए या मैसेज का डाइजेस्ट निकालने के लिए दोनों सेम चीज़ें हैं। सो सेकेंड एंड फोर्थ आर द राइट आंसर, दैट इज सी। मैच द फॉलोइंग क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स विद देयर डिजाइन इश्यूज। हमें पता है कि जो आर एस ए है वो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी है, तो ऑप्शन बी दिस इज मैचिंग विद टू। एस एच जो बताया मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा कि मैसेज डाइजेस्ट है, ठीक है। अब बचा हमारे पास में ए ई एस एंड डी ई एस। डी ई एस जो है वो पुरानी एल्गोरिथम है, उसमें हम यूज़ करते थे 56 बिट का इंक्रिप्शन, और ए ई एस में हम यूज़ करते हैं 128 बिट का इंक्रिप्शन। सो कॉम्बिनेशन बनेगा ए मैचिंग विद थ्री, बी मैचिंग विद फोर्थ, एंड सी मैचिंग विद टू, एंड डी मैचिंग विद वन। सो 3421, दैट इज 3421 सी इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एसीमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी असीमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। ओके, असीमेट्रिक मीन्स पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, ये सब सेम चीज़ें हैं, पब्लिक की असीमेट्रिक एंड आर एस एल्गोरिथम, सबका सेम नाम यही है। सीमेट्रिक का मतलब क्या होगा, सीमेट्रिक मीन्स इसका उल्टा है सीमेट्रिक, सीमेट्रिक मीन्स होगा कि सेम की यूज़ करोगे। सीमेट्रिक को अगर मैथमेटिकल फॉर्म में देखते हो तो मतलब क्या है कि ए बी बी ए, मतलब क्या है, उसी से आप इंक्रिप्शन कर सकते हो, उसी से डिक्रिप्शन कर सकते हो। लेकिन असीमेट्रिक में क्या होगा, दोनों इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए अलग अलग कीज़ चाहिए होंगी, वो दो कीज़ होती हैं प्राइवेट एंड पब्लिक कीज़। और असीमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में हम इंक्रिप्शन करते हैं पब्लिक की का यूज़ करके और डिक्रिप्शन करते हैं प्राइवेट की का यूज़ करके। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि प्राइवेट की इज़ कैप्ट बाय द रिसीवर एंड पब्लिक की इज़ अनाउंस टू द पब्लिक, सही है। जैसे मैंने बताया था कि प्राइवेट की सबकी अपने अपने पास होगी, वो किसी को बताएंगे नहीं, वो किसी को ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे, लेकिन पब्लिक की सबके सबके पास में होगी। बी कह रहा है कि पब्लिक की इज़ कैप्ट बाय द रिसीवर एंड प्राइवेट की इज़ अनाउंस, दिस इज रॉन्ग, पब्लिक की के कोई मतलब नहीं है अपने पास रखने का। सी कह रहा है कि बोथ प्राइवेट की एंड पब्लिक की आर कैप्ट बाय द रिसीवर, दिस इज रॉन्ग। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। यूडीपी हमें पता है एक ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है और वो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम दो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, टीसीपी एंड यूडीपी, एंड यूडीपी क्या है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, कनेक्शन लेस ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ओएसपीएफ मैंने बताया था कि एक राउटिंग प्रोटोकॉल है जो हम इंटीरियर गेटवे राउटिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फाइंडिंग एल्गोरिथम, और इसको हम यूज़ करते हैं राउटिंग के लिए। एसएमटीपी क्या है, मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पता है हमें सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसके फुल फॉर्म ही है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो एसएमटीपी विल मैच विद वन। ओके, रिमेनिंग एचडीएलसी इज बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, और एचडीएससी एक एचडीएलसी डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल है, दैट मींस ए इज मैचिंग विद फोर, सो दिस इज ए, एंड थ्री इज मैचिंग विद बी, बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल इज मैचिंग विद डी, एंड ओएसपीएफ इज मैचिंग विद दैट इज सी। ओके, सो द राइट आंसर इज 4312, दैट इज 4312, आंसर सी इज द राइट आंसर।
Which of the following is are examples of stateful application layer protocol? Stateful application layer protocol. ओके पहली चीज एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल यहीं से चल रहा है, पता है एक ऑप्शन तो आप वैसे एलिमिनेट कर सकते हो. टीसीपी जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है ना कि एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल. बाकी तीनों के तीनों आपके एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है. और एचटीटीपी बाय डिफॉल्ट स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है. स्टेटलेस प्रोटोकॉल, स्टेटलेस का मतलब क्या है कि ये किस यूज़र की कोई भी स्टेट मेंटेन नहीं रखेगा सर्वर पे, और हर एक ऑब्जेक्ट को आपको सर्वर से फैच करने के लिए हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक नया कनेक्शन बनाना होगा. और एचटीटीपी ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी को यूज़ करता है एज ए ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल. सो एचटीटीपी स्टेटलेस है. सिर्फ दो ही प्रोटोकॉल है जो स्टेटफुल एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, वो है एफटीपी एंड पीओपी 3, दैट मीन्स 2 एंड 4. सी इज द राइट आंसर. ओके समझ आया ना कैसे दो हमने एलिमिनेट कर दिए. एचटीटीपी तो स्टेटलेस प्रोटोकॉल है ही, हमें पता है, और टीसीपी ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल या एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है ही नहीं, ये पूछ रहा है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स. कंसीडर द थ्री कमांड्स प्रॉम्प्ट, हेड एंड रिसिप्ट. सो प्रॉम्प्ट जो है वो एफटीपी की एक कमांड है. अगर आपको मल्टीपल फाइल्स डाउनलोड करनी है अपने सिस्टम में तो ये प्रॉम्प्ट करेगा प्रॉम्प्ट कमांड के थ्रू कहाँ पे आप इनको स्टोर करना चाहते हो. हेड बहुत ही ऑब्वियस है, एचटीटीपी की एक कमांड है जिसमें आप शो करते हो एक हेड में इंफॉर्मेशन पेज के बारे में कि पेज की लैंग्वेज क्या होगी, कौन सी स्क्रिप्ट आप यूज़ कर रहे हो, ये सब चीज़ें, पेज का टाइटल क्या होगा, ये सब आप हेड कमांड के थ्रू करते हो. रिसिप्ट जो है वो एसएमटीपी की एक कमांड है जिसमें आप रिसिपेंट का एड्रेस स्टोर करते हो. ठीक है, रिसिपेंट एक कमांड होगी जिसके थ्रू आप जिसके पास आपको मेल सेंड करना है उसी रिसिपेंट का ईमेल आईडी एंटर करोगे. तो एफटीपी, एचटीटीपी, एसएमटीपी, दिस इज द राइट आंसर. हेलो एंड पोर्ट रेस्पेक्टिवली आर कमांड्स फ्रॉम द प्रोटोकॉल्स. सो हेलो एक कमांड है एसएमटीपी की एंड पोर्ट एक कमांड है एफटीपी की. ओके सो दिस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम पेलोड ऑफ ए टीसीपी सेगमेंट इज व्हाट. ओके टीसीपी में पेलोड कितना होगा. पेलोड मींस डेटा. ओके डेटा पार्ट कितना होगा टीसीपी के सेगमेंट में. सेगमेंट की अगर मैं बात करूं, सेगमेंट में दो चीज़ें होंगी. ठीक है, मैं बताया कि सेगमेंट में दो चीज़ें होती हैं, डेटा एंड हेडर. ठीक है, हेडर एंड डेटा. तो सबसे पहले मैं पता होना चाहिए कि सेगमेंट का फुल सेगमेंट का साइज़ क्या हो सकता है मैक्सिमम. उसके बाद में अगर हमें हेडर का मैक्सिमम साइज़ पता चल जाए तो हम पेलोड का मैक्सिमम साइज़ निकाल सकते हैं. सेगमेंट का मैक्सिमम साइज़ कहाँ से फाइंड आउट करेंगे. सेगमेंट का मैक्सिमम साइज़ हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ से. ठीक है, विंडो का साइज़ होता है 16 बिट का साइज़ है विंडो का. इसका मतलब क्या है कि सेगमेंट का मैक्सिमम साइज़ जो है वो 2^16 - 1 हो सकता है. ओके, 0 से लेके 2^16 - 1, क्योंकि ये ऐसे ही है जैसे आईपी के हेडर में टोटल लेंथ थी. ओके, टोटल लेंथ बताएगी कि पूरे पैकेट का मैक्सिमम साइज़ क्या हो सकता है. तो 2^16 जो है वो मैक्सिमम साइज़ हो सकता है, यानी कि 2^16 - 1, इसको हम बोलते हैं 65535. ये मैक्सिमम साइज़ हो सकता है सेगमेंट का. ओके, सेगमेंट का मैक्सिमम साइज़, अब पूरे सेगमेंट का मैक्सिमम साइज़ है 65535. आपको निकालना है डेटा का साइज़ यानी कि पेलोड का साइज़. हेडर का साइज़ क्या हो सकता है मैक्सिमम. हेडर है 4 बिट का. ओके, हेडर 4 बिट का है, यानी कि अगर आपको डेटा का मैक्सिमम साइज़ चाहिए तो आप हेडर की वैल्यू मिनिमम लोगे. ओके, अगर आपको हेडर का साइज़ मैक्सिमम चाहिए तो आप हेडर की वैल्यू मिनिमम लोगे. तो हेडर की मिनिमम वैल्यू ये होगी 1, 2, 3, 4, 5. ये 5 रोज जो हैं वो 5 रोज मैंडेटरी हैं इस टीसीपी के हेडर में. और इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है जो हेडर लेंथ है. हेडर लेंथ बताएगी कि नंबर ऑफ रोज इन दी हेडर. तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0101, दैट इज़ 5. ओके, इसका मतलब है कि 5 रोज होंगी हेडर में. 5 रोज होंगी और एक हर एक रोज कितनी 32 बिट की है, यानी कि 4 बाइट की. तो 5 रोज है और हर एक रो 4 बाइट की है. इसका मतलब क्या है कि 20 बाइट का मिनिमम हेडर साइज़ होगा. हेडर साइज़ कितना होगा, 20 बाइट मिनिमम. आपको बताया ना 20 हम मिनिमम हेडर साइज़ क्यों ले रहे हैं. हेडर का साइज़ मिनिमम इसलिए ले रहे हैं ताकि डेटा का साइज़ मैक्सिमम ले सकें. एक्चुअल में हेडर का मैक्सिमम साइज 60 बाइट भी हो सकता है, क्योंकि 1111 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 4 बिट के साथ में. और 111 का मतलब है 15, यानी कि 15 रोज हो सकती है मैक्सिमम टीसीपी के हेडर में. और हर एक रो 4 बाइट की है, यानी कि 60 बाइट का हेडर हो सकता है मैक्सिमम. लेकिन हम मिनिमम हेडर साइज ले रहे हैं क्योंकि हमें मैक्सिमम डेटा की मैक्सिमम पेलोड साइज लेना है. तो पूरे सेगमेंट का साइज है 65535 और हेडर का साइज है 20 बाइट्स. सो 65535 - 20 = 65515. तो ये मैक्सिमम सेगमेंट के
फेल लोड का साइज हो सकता है 65515। अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम सेगमेंट साइज क्या हो सकता है, तो मैक्सिमम सेगमेंट साइज हो सकता है 65535। मैक्सिमम हेडर साइज क्या हो सकता है 60 बाइट्स। मिनिमम हेडर साइज क्या होगा 20 बाइट्स। मैक्सिमम डेटा का साइज क्या होगा 65515। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द साइज ऑफ द टोटल लेंथ फील्ड इन द IPv4 डेटाग्राम। यह है IPv4 का डेटाग्राम और इसमें टोटल लेंथ फील्ड कहाँ है, टोटल लेंथ फील्ड है ये और ये है 16 बिट का, 16 to 31। ओके, टोटल लेंथ फील्ड का मेन पर्पज क्या है, टोटल लेंथ फील्ड ये बताएगा कि आपके पूरे पैकेट का साइज क्या है। टोटल लेंथ फील्ड है 16 बिट का, तो मैक्सिमम पैकेट का साइज क्या हो सकता है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया है, मैक्सिमम पैकेट साइज क्या हो सकता है, मैक्सिमम पैकेट साइज हो सकता है 2 to the power 16 minus 1। ओके, क्योंकि जीरो से स्टार्ट करते हैं इसलिए माइनस वन, और ये होगा 65535 बाइट्स। ओके, अब अगर मैं पूछता हूँ कि मैक्सिमम पेलोड का साइज क्या हो सकता है, इसमें पैकेट का साइज हो सकता है मैक्सिमम 65535, यानी कि लेट से ये पैकेट है आपका और इस पैकेट का कंप्लीट पैकेट हम बोलते हैं हेडर प्लस डेटा और इस पूरे का साइज है 65535। ओके, अब अगर मैं मिनिमम हेडर का साइज निकाल पाऊँ तो मैं मैक्सिमम डेटा का साइज निकाल सकता हूँ। मिनिमम हेडर का साइज कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, हेडर का साइज फाइंड आउट करेंगे हम हेडर लेंथ से। ओके, ये है हेडर लेंथ IHL। हेडर लेंथ फील्ड है वो 4 बिट का, तो हेडर लेंथ 4 बिट का है, इंटरनेट हेडर लेंथ, इसका मतलब है IHL का इंटरनेट हेडर लेंथ जो कि 4 बिट का है। 4 बिट में आप मिनिमम वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो, 0000, मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1111। तो मिनिमम हेडर साइज 0 होगा नहीं, क्योंकि मिनिमम हेडर का साइज, मिनिमम हेडर के अंदर मिनिमम ये वैल्यूज तो होंगी होगी 1 2 3 4 5, ये 5 वैल्यूज, ये 5 रोज तो होनी ज़रूरी है, उसके बाद में बाकी चीज़ ऑप्शनल हैं। ओके, बाकी चीज़ें ऑप्शनल हैं, यानी कि मैक्स हेडर का साइज मिनिमम क्या होगा 0101, यानी कि 5 लाइक प्रीवियस वन, तो 5 रोज तो मिनिमम होगी होगी और हर एक रो 32 बिट की, यानी कि मिनिमम हेडर का साइज 20 बाइट होगा। ठीक है, मिनिमम हेडर का साइज 20 बाइट होगा, तो पेलोड क्या होगा सेम 65535 माइनस 20 बाइट्स, दैट इज 65515। इस क्वेश्चन में सब नहीं पूछा गया, इस क्वेश्चन में सिंपल पूछा गया कि इंटरनेट हेडर लेंथ की टोटल लेंथ का साइज क्या है IPv4 डायग्राम में, व्हाट इज द साइज ऑफ द टोटल लेंथ फील्ड इन IPv4 डायग्राम। यह है IPv4 हेडर, ठीक है, IPv4 हेडर में 16 बिट का है टोटल लेंथ फील्ड, ठीक है, यह है टोटल लेंथ फील्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स इन IPv4 डेटाग्राम इज नॉट रिलेटेड टू फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन के लिए हमारे पास में कई सारे फील्ड्स हैं, जब हम किसी जब आपका सेगमेंट नेटवर्क लेयर के पास आएगा तो नेटवर्क लेयर क्या करेगी, उस सेगमेंट को फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देगी, यानी कि पैकेट्स में डिवाइड कर देगी, और हर एक पैकेट का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, एक ऑफसेट होगा, उसके अंदर एक फ्लैग डाला हुआ होगा। फ्लैग ये बताएगा कि जो अभी आपके पास में पैकेट आया है इसके बाद भी और पैकेट आने हैं नहीं आने हैं, यानी कि MF जो फ्लैग होगा मोर फ्रेगमेंट, अगर मोर फ्रेगमेंट MF की वैल्यू, यहाँ पे एक फ्लैग होगा MF, अगर MF की वैल्यू 0 है इसका मतलब क्या है कि वो लास्ट फ्रेगमेंट है, अगर MF की 1 है तो मतलब क्या है कि MF = 1, यानी कि MF = true, यानी कि मोर फ्रेगमेंट ट्रू, यानी कि इसके बाद भी और फ्रेगमेंट है। तो आइडेंटिफिकेशन नंबर, फ्लैग एंड फ्रेगमेंट ऑफसेट, ये हम 3 चीज़ें यूज़ करते हैं फ्रेगमेंटेशन के लिए। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं टाइप ऑफ सर्विस, फ्रेगमेंट ऑफसेट हम यूज़ करते हैं फ्रेगमेंट के लिए, फ्लैग्स भी यूज़ करते हैं और आइडेंटिफिकेशन नंबर भी यूज़ करते हैं, लेकिन टाइप ऑफ सर्विस जो है वो हम फ्रेगमेंटेशन के लिए यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए इट इज़ नॉट रिलेटेड टू फ्रेगमेंटेशन। ओके, आइडेंटिफिकेशन नंबर हमारा काम आएगा कि जब आपके सारे पैकेट्स रिसीवर साइड पहुँचेंगे तो रिसीवर साइड पैकेट्स पहुँचने के बाद में आपस में वो कंबाइन होकर एक सेगमेंट बनाएंगे, क्योंकि सेगमेंट डिलीवर करना है आपको ट्रांसपोर्ट लेयर को, तो जब वो सेगमेंट की फॉर्म में आपस में कंबाइन होंगे तो किस कौन से पैकेट के बाद में कौन सा पैकेट लगाना है, ये आइडेंटिफिकेशन नंबर बताएगा। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द साइज ऑफ डेटा दैट द एप्लीकेशन लेयर कैन पास ऑन द TCP लेयर बिलो। सो एप्लीकेशन लेयर तो किसी भी कितना भी डेटा पास कर सकती है, क्योंकि एप्लीकेशन लेयर के बाद में है ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद में है नेटवर्क लेयर और उसके बाद में डेटा लिंक लेयर और फिर फिजिकल लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के पास में भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, नेटवर्क लेयर के पास में भी रेस्ट्रिक्शंस हैं और डेटा लिंक के पास में भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन एप्लीकेशन लेयर के पास में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कितना डेटा वो पास कर सकती है। ट्रांसपोर्ट लेयर का जैसे मैंने बताया कि टोटल लेंथ फील्ड है 16 बिट का, यानी कि वो 2 to the power 16 bytes ही
पास कर सकती है, इसी तरह नेटवर्क लेयर भी इतना ही कर सकती है, और जो डेटा लिंक लेयर है वो 1500 बाइट ही कर सकती है क्योंकि मैक्सिमम फ्रेम का साइज 1500 बाइट होता है, इनके पास में रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन एप्लीकेशन लेयर एनी साइज पास कर सकती है, दैट इज ऑप्शन ए। वॉट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ डेटा दैट द एप्लीकेशन लेयर कैन पास ऑन द टीसीपी लेयर बिलो, कि टीसीपी लेयर को कितना डेटा पास कर सकती है, कितना भी डेटा पास कर सकती है, लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लेयर इनके पास में रेस्ट्रिक्शन है कि ये इतना इतना डेटा ही पास कर सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस यूडीपी एज द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, हमें पता है कि एचटीटीपी यूज करता है टीसीपी क्योंकि इसको स्टेट चाहिए होती है, डीएनएस यूज करता है यूडीपी क्योंकि इसमें हमें क्वेरी का आंसर बहुत ही स्पीड से चाहिए होता है, बहुत ही फास्ट, एसएमटीपी का हमें पता है कि टीसीपी यूज करता है और टेलनेट भी टीसीपी यूज करता है, तो ओनली डीएनएस यूडीपी यूज करता है क्योंकि डीएनएस में हम क्या करते हैं, क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हम डीएनएस में एक होस्ट टेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो जब तक आपके पास में आईपी एड्रेस ही नहीं है तो आप टीसीपी कनेक्शन भी नहीं इस्टेब्लिश कर सकते हो क्योंकि टीसीपी डिमांड करता है कि पहले वो थ्री वे हैंड चेकिंग थ्रू कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा, अब कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश करोगे जब आपके पास में आईपी एड्रेस ही नहीं है, ओके इसीलिए हम डीएनएस यूज करते हैं क्योंकि डीएनएस को कोई कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है, वो सिंपली अपनी क्वेरी सेंड कर सकता है अपर लेवल सर्वर्स को, डोमेन नेम सिस्टम यूज करता है यूडीपी, जहाँ भी आपको रेस्पॉन्स बहुत ही फास्ट चाहिए, जहाँ भी आपको रेस्पॉन्स बहुत फास्ट चाहिए वहाँ हमेशा यूडीपी यूज करोगे, जैसे वीडियो कॉलिंग के में आपको रेस्पॉन्स बहुत ही फास्ट चाहिए होते हैं वहाँ पे आप यूडीपी यूज करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोवाइड द बेस्ट मैचिंग बिटवीन द एंट्रीज इन द टू कॉलम्स गिवन इन द टेबल बिलो, तो आपको इनको मैच करना है, डीएनएस का हमें पता है क्या है, कैशिंग, डीएनएस में हम जो डीएनएस में क्या करते हैं कि हम होस्ट नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं, तो कभी कभी हम क्या करेंगे, अगर आपने google.com टाइप किया अपने ब्राउजर में तो आपका ब्राउजर पहले कॉन्टैक्ट करेगा डीएनएस सर्वर से कि google.com का आईपी एड्रेस क्या है, तो अगर आप हर बार google.com खोल दो तो आपको हर बार उस आईपी रिजॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन आप क्या कर सकते हो, सिंपली आपको एक बार पता चल गया कि गूगल का आईपी एड्रेस ये है तो आप उसको लोकल कैश में कैश कर लोगे, लोकल कैश में इसको स्टोर कर लोगे और उसको बार बार आपको डीएनएस में जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। प्रॉक्सी सर्वर हम फायरवॉल के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, अनवांटेड पैकेट से बचने के लिए, अनवांटेड रिक्वेस्ट से बचने के लिए, और DC++ एक पीयर टू पीयर सर्विस है, ओके P2P सर्विस, और स्लीप जो है वो PPP प्रोटोकॉल है, दैट इज डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल, ओके सो ये मैचिंग है, दैट इज प्रॉक्सी सर्वर इज मैचिंग विद ए, यानी कि ए उसके बाद में सी, देन डी एंड देन बी, ए सी डी बी, सो द आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द डिफरेंट एक्टिविटीज रिलेटेड टू मेल, अच्छा ओके अगर मेल के बारे में हम पढ़े तो मेल कैसे सेंड होगा, अगर आप किसी को मेल सेंड कर रहे हो, लेट्स से ये सेंडर मशीन है एक और ये किसी बंदे को मेल सेंड कर रहा है, ठीक है, लेट्स से ये रिसीवर है, इसको मेल सेंड कर रहा है, इसकी ईमेल आईडी है लेट्स से abc@gmail.com, आपका ईमेल कैसे कैसे जाएगा, और इसकी ईमेल आईडी है लेट्स से xyz@live.com, ठीक है, दोनों अलग अलग वेब सर्वर्स पे हैं, ये जीमेल सर्वर पे है, ये लाइव सर्वर पे है, तो सबसे पहले आपका जैसे ही आप सेंड बटन पे क्लिक कर दो तो आपका मेल जाएगा आपके सर्वर के पास में, आपका सर्वर कौन है, गूगल सर्वर, जीमेल सर्वर, सो सबसे पहले आपका मेल चाहिएगा जाएगा जीमेल सर्वर के पास, उसके बाद में जीमेल सर्वर आपका मेल फॉरवर्ड करेगा आपके रिसीवर के वेब सर्वर के पास, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट सर्वर के पास में, लाइव किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के वेब सर्वर के पास में मेल को फॉरवर्ड कर देगा, अब जो रिसीवर है वो अपने ईमेल को रिट्रीव करेगा, सो रिट्रीव करने के लिए आप दो प्रोटोकॉल यूज़ करते हो, पीओपी एंड आईमैप, और मेल को सेंड करने के लिए जब आपको मेल सेंड करना होता है तो आप यूज़ करते हो एसएमटीपी, तो डिफरेंस समझना एसएमटीपी में और पीओपी में क्या डिफरेंस है, एसएमटीपी मेल को सेंड करने के लिए यूज़ करते हैं और पीओपी एंड आईमैप मेल को रिसीव करने के लिए यूज़ करते हैं, अब दो प्रोटोकॉल क्यों हैं, अगर आपको ऐसा करना है कि अपना जो ईमेल, लेट्स से आप ईमेल दो तरीके से एक्सेस करते हो, या तो सिंपल एक सिंगल मशीन से एक्सेस करते हो कि आपका लैपटॉप है आपको उसी से एक्सेस करना है ईमेल और कहीं से करना ही नहीं है, दूसरा ये है कि आपको अपना ईमेल कहीं से भी एक्सेस करना पड़ सकता है, आपके ऑफिस से, आपके घर से, या फिर आपके मोबाइल से, मतलब मल्टीपल प्लेसेस से आप मैसेज को एक्सेस कर रहे हो, तो डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ के लिए हम ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, तो अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस से अपना ईमेल एक्सेस करना है तो आप यूज़ करते हो आईमैप,
ठीक है, अगर आपको एक ही मशीन से अपने सारे अपने एक ही मशीन से मेल एक्सेस करने हैं तो आप यूज़ करते हो पॉप। ओके, जैसे कि आपको अगर एक मशीन से ईमेल एक्सेस करने हैं तो आप क्या करते हो, अपने सारे मेल डाउनलोड कर लेते हो अपनी मशीन पर और फिर उनको ऑफलाइन रीड कर सकते हो। उसके लिए सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक आउटलुक क्या करेगा, आपके सारे के सारे मेल को डाउनलोड कर लेगा आपकी मशीन पर सॉफ्टवेयर के अंदर, फिर आप उनको रीड कर सकते हो ऑफलाइन भी। लेकिन आई मैप में क्या करते हो, आई मैप में आपको अपने ईमेल बॉक्स से ही, जो माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल बॉक्स है उससे ही एक्सेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो दो अलग अलग टेक्निक इसलिए यूज़ कर रहे हैं। तो SMTP को हम बोलते हैं पुश प्रोटोकॉल। पुश क्यों, क्योंकि ये ईमेल को यहाँ से उठा के जीमेल सर्वर पे डाल रहा है, यानी कि पुश कर रहा है, फिर यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल रहा है, यानी कि पुश कर रहा है। इनको बोलते हैं पॉप को, एंड POP3 एंड आई मैप को बोलते हैं पॉप प्रोटोकॉल, क्योंकि ये ईमेल को पॉप करते हैं, यहाँ से ईमेल को रिट्रीव कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आपका मेल एक्सेस होगा। अब ये क्वेश्चन पे आते हैं, सेंड एन ईमेल फ्रॉम मेल क्लाइंट टू मेल सर्वर, यानी कि आपकी मशीन से आपके मेल सर्वर तक सेंड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, SMTP, जैसे कि हमने अभी देखा। डाउनलोड एन ईमेल फ्रॉम मेल बॉक्स सर्वर टू आ मेल क्लाइंट, तो ईमेल को डाउनलोड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पॉप। अगर आपको मेल एक्सेस करना है तो आप आई मैप यूज़ करते हो, अगर मेल डाउनलोड करना है तो आप पॉप यूज़ करते हो। चेकिंग ईमेल इन ए वेब ब्राउजर, तो अगर आप वेब ब्राउजर में मेल यूज चेक कर रहे हो तो आप यूज़ करते हो आई मैप। ठीक है, सो दैट शुड बी SMTP, POP एंड आई मैप। SMTP, POP एंड आई मैप कहीं पे नहीं है, इसलिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, वेब ब्राउजर की बात कर रहे हैं तो HTTP। HTTP प्रोटोकॉल यूज़ होगा एप्लीकेशन लेयर पे अगर वेब ब्राउजिंग करनी है। ओके ओके, क्योंकि वेब ब्राउजर में हम HTTP का यूज़ करके तो ईमेल को एक्सेस करते हैं। आई मैप तो इंटरनल प्रोटोकॉल है, अगर यहाँ पे ऑप्शन में आई मैप होता, ऐसा कुछ होता कि SMTP, POP, आई मैप, तो फिर आप उसको आंसर करते। तो अभी है SMTP, POP एंड HTTP, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द प्रोटोकॉल डेटा यूनिट फॉर द एप्लीकेशन लेयर इज व्हाट, तो अब हर एक लेयर के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल डेटा यूनिट है। जैसे कि एप्लीकेशन लेयर के लिए कुछ डेटा यूनिट है, मतलब डेटा का नाम है अलग अलग लेयर पे, अलग अलग ट्रांसपोर्ट लेयर पे अलग नाम है और नेटवर्क लेयर पे अलग नाम है डेटा का। इसी तरह से फिजिकल डेटा लिंक लेयर पे अलग नाम है और फिजिकल लेयर पे एक अलग नाम है। एप्लीकेशन लेयर पे बोलते हैं डेटा को मैसेज, ट्रांसपोर्ट लेयर पे बोलते हैं सेगमेंट, नेटवर्क लेयर पे बोलते हैं पैकेट और यहाँ पे बोलते हैं फ्रेम और फिजिकल लेयर पे बोलते हैं बिट्स। ठीक है, बिट्स इनकैप्सुलेट करती हैं फ्रेम को, फ्रेम इनकैप्सुलेट करते हैं पैकेट्स को, पैकेट्स इनकैप्सुलेट करते हैं सेगमेंट्स को, एंड सेगमेंट्स इनकैप्सुलेट करते हैं मैसेज को। इनकैप्सुलेट करने का मतलब क्या है, ये मैसेज जो है डिवाइड होगा सेगमेंट्स में, सेगमेंट्स डिवाइड होंगे पैकेट्स में, पैकेट्स डिवाइड होंगे फ्रेम्स में, और फ्रेम्स जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स हैं। इस तरह से डेटा सेंड होगा। तो अभी बात कर रहा है कि प्रोटोकॉल डेटा यूनिट फॉर द एप्लीकेशन दैट इज मैसेज। ठीक है, सेगमेंट किसके लिए है, नेट ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए, डेटाग्राम नेटवर्क लेयर, इसको डेटाग्राम भी बोलते हैं, फ्रेम डेटा लिंक लेयर, और ये है एप्लीकेशन लेयर पे। अब बिट स्टफिंग बेस्ड फ्रेमिंग प्रोटोकॉल यूज्ड एन 8-bit डेलिमिटर पैटर्न, दिस इज द 8-bit पैटर्न। इफ द इनपुट इफ द आउटपुट बिट स्ट्रिंग आफ्टर स्टफिंग इज दिस देन द इनपुट बिट स्ट्रिंग इज व्हाट, तो ये पूछ रहा है कि आपके पास में बिट स्टफिंग का पैटर्न ये है। मतलब क्या है कि अगर आपको इसका मतलब ये है कि अगर आपको कहीं पे भी 6 ones कंसेक्यूटिवली दिखाई देते हैं तो आप वहाँ पे 10 एंटर कर दोगे। ओके, क्योंकि ये क्या है, फ्लैग है, स्टार्टिंग फ्लैग और एंडिंग फ्लैग। तो अगर डेटा के बीच में कहीं फ्लैग आ गया तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप क्या करते हो, पहले से ये कैरेक्टर स्टफ कर दोगे, एक बिट स्टफ कर दोगे, उसको बोलते हैं बिट स्टफिंग। फॉर एग्जाम्पल आपका ये डेटा दिया हुआ है, इसने कहा कि ये आफ्टर स्टफिंग है, तो ये कैसा डेटा रहा होगा इनिशियली, तो ये है 0 1 1 1 1 एंड 1, ओके 5 टाइम्स 1, देन 0 0 1 0 1। तो फ्लैग ये बता रहा है कि अगर आपको 5 बार 1s दिखाई दे जाए एक साथ में, तो उसके बाद में 5 1s के बाद में 0 एंटर कर दो, क्योंकि अगर उसके बाद में 1 आ गया तो वो फ्लैग बन सकता है। तो आपने क्या करा है, कहाँ पे आपने 1 एक्सेस, कहाँ पे आपने 0 स्टफ किया है, जैसे कि लेट से यहाँ पर देखो तो 5 टाइम्स 1 आया है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 1 आया है, इसका मतलब क्या है कि 0 यहाँ से यहाँ तक ये फ्लैग अभी तक मैच हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे 0 9 इंसर्ट करते तो क्या होता है, ये फ्लैग बन जाता, क्योंकि फिर 0 1 है, तो ये पूरा फ्लैग बन रहा था।
आपने जीरो स्टफ किया, यानी कि डेटा पहले क्या था, डेटा इस तरह रहा होगा 0111 0101, डेटा इस तरह से रहा होगा। फिर आपने बिट स्टैम्पिंग के बाद में, क्योंकि हम कहते हैं कि अगर पांच, इफ़ यू सी द फाइव वंस कंसेक्यूटिवली तो एंटर जीरो, तो फाइव वंस के बाद में यहाँ पे जीरो एंटर करके बाद में ये बन गया होगा, तो जो आपका डेटा रहा होगा वो ये रहा होगा 0 5 times 1 0 1 0 1। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द स्लो स्टार्ट फेज ऑफ द टीसीपी कनेक्शन एल्गोरिथम द साइज ऑफ द कॉन्जेशन विंडो इज इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली। ओके, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का एक मैकेनिज्म है जो हम कंजेशन कंट्रोल के लिए यूज करते हैं। ओके, सो इसको बोलते हैं एडिटिव इंक्रीज मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज। तो इसमें हम इंक्रीज जो आपकी कंजेशन विंडो होगी वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगी। मतलब क्या होगा, पहले वन मैक्सिमम सेगमेंट होगा, फिर टू मैक्सिमम सेगमेंट साइज, टू MSS, फिर फोर MSS, फिर एट MSS। तो आप इसको ये हर एक एक्नोलेजमेंट के साथ में जो आपके कंजेशन विंडो होगी वो बढ़ती रहेगी। ओके, जैसे जैसे इन एक्नोलेजमेंट आते रहेंगे वो बढ़ती रहेगी, और जब तक वो थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंच जाती तब तक वो एक्सपोनेंशियली बढ़ती रहेगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मैक्सिमम फ्रेम साइज रिक्वायर्ड फॉर ए CSMACD बेस्ड कंप्यूटर नेटवर्क रनिंग एट 1 Gbps ऑन ए 200 मीटर केबल विद ए लिंक स्पीड ऑफ 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, सो ये CSMACD का एक क्वेश्चन है, उसका फॉर्मूला है लेंथ निकालने के लिए, मैक्सिमम फ्रेम की लेंथ निकालने के लिए, एल शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 2TPD × R। ओके, मैक्सिमम लेंथ निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। R का मतलब है बैंडविथ जो आपको दी हुई है, बैंडविथ दी हुई है 1 GB per second। ओके, gigabits पर सेकेंड, स्मॉल b मीन्स बिट्स, और TPD का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस दी हुई है 200 मीटर्स एंड स्पीड दी हुई है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, सो दिस विल बिकम 100, दैट मीन्स 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको बोल सकते हो कि वन, ओके, मीटर विल बी कैंसिल्ड आउट, तो दिस विल बी इन द टाइम 10⁻⁶ सेकेंड्स, या फिर बोल सकते हो 1 microsecond। ओके, एंड दिस इज 1 GB per second, तो दिस इज इन सेकेंड्स एंड दिस इज इन microsecond, सो वी कैन कन्वर्ट दिस ऑल्सो इन microsecond। अब आपको निकालना है एल लेस देन इक्वल्स टू 2TPD × R, एंड वी नो दैट 2 × TPD इज 1 microsecond, और यू कैन सी 1 × 10⁻⁶ इंटू 1 GB per second, यानी कि 1 × GB मीन्स 10⁹. ओके, 10⁶ मीन्स MB, 10�³ मीन्स KB, एंड 10⁹ मीन्स JB। ओके, सो इसको सॉल्व करने के बाद में ये आएगा, ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम फ्रेम साइज कंप्यूटर नेटवर्क रनिंग एट GPS एट ए लिंक ऑफ स्पीड ऑफ मीटर पर सेकेंड, और बाइट्स में पूछ रहा है, तो ये आएगा 2 × 10⁹ × 10⁹ मीन्स 10�³। दिस विल बिकम 2000 bits। ओके, ये बिट्स में आएगा, आपको बाइट्स में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 8 करना होगा, यानी कि 2000 ÷ 8। नाउ इट विल बिकम 8 × 2 = 16, 8 × 5 = 40, यानी कि 250 bytes। ये होगा L, मिनिमम फ्रेम लेंथ। ओके, 250 bytes, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सिंपली मिनिमम फ्रेम लेंथ के साइज CSMACD में है 2TPD × R। R मीन्स बैंडविथ आपको दी हुई होगी, 2TPD मतलब TPD आपको फाइंड आउट करना होगा, प्रोपेगेशन टाइम या प्रोपेगेशन डिले। प्रोपेगेशन डिले निकालते हैं डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, डिस्टेंस दी हुई है 200 मीटर, स्पीड दी हुई है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सिंपली मल्टीप्लीकेशन करनी और L फाइंड आउट करना है। ओके, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है, जैसे बिट्स और बाइट्स, ओके, सेकेंड्स एंड मिली सेकेंड्स, ये सब चीज़ें इसमें ध्यान रखनी होती हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ राउटर यूजेज द फॉलोइंग राउटिंग टेबल। ये राउटिंग टेबल है एक राउटर की, जिसमें आपको नेट आईडी दी हुई है और नेट मास्क दिया हुआ है, और बोला हुआ है कौन सा इंटरफेस है। ओके, जैसे एक राउटर के अंदर कई सारे पोर्ट्स होंगे, उसमें से पोर्ट का नाम है इथरनेट 0123। पैकेट बियरिंग अ डेस्टिनेशन एड्रेस दिस अराइव्स एट द राउटर ऑन विच इंटरफेस विल इट बी फॉरवर्डेड। तो राउटर क्या करता है, लेट्स से एक ये राउटर है, ओके, ये राउटर है और इसके पोर्ट्स हैं, लेट्स से ये एक पोर्ट है,
यहाँ पे एक पोर्ट है, एक पोर्ट ये है, और एक पोर्ट ये है, और एक पोर्ट ये है, ठीक है। ये पोर्ट्स हैं, लेट से दिस इज़ इथरनेट जीरो, दिस इज़ इथरनेट वन, इथरनेट टू, इथरनेट थ्री, तो कई सारे आउटगोइंग पोर्ट होंगे, एक इनकमिंग पोर्ट होगा। तो यहाँ से एक पैकेट आया इसके पास में, राउटर के पास एक पैकेट आया। अब ये पैकेट पे जो आईपी एड्रेस है वो ये है। अब राउटर को इस पैकेट को फॉरवर्ड करना है इनमें से किसी एक पोर्ट पे। वो कैसे फॉरवर्ड करे, इनमें से किसी एक पोर्ट पे फॉरवर्ड करना है, तो फॉरवर्ड करने के लिए वो राउटिंग टेबल देखेगा। राउटिंग टेबल में क्या करेगा, इसको प्रीफिक्स मैचिंग करेगा, उससे मैक्सिमम प्रीफिक्स मैचिंग। मैक्सिमम प्रीफिक्स मैचिंग क्या है, मतलब मैंने बताया था कि नेट मास्क कैसे फाइंड आउट, आप नेट आईडी कैसे फाइंड आउट करते हैं, नेट मास्क को एंड करने के साथ में आईपी एड्रेस के साथ में, तो सबके नेट मास्क के साथ में आप इसको, सबके नेट मास्क के साथ में इसको एंड करोगे, उसके बाद में नेट आईडी आएगी, तो जिसके साथ भी नेट आईडी मैच करेगी उसी पर हम इसको फॉरवर्ड कर देंगे, और आपको मैक्सिमम मैचिंग करनी है। तो लेट से मैं पहले इसके साथ में करता हूँ, 144.16.68.117.255. सबके मास्क के साथ में आपको इसको एंड करके देखना है, 0.0, सो ये आएगा 144.16। ओके, जब आप इसका एंड करोगे तो ये आएगा 0.0। ओके, 144.16.0.0, तो ये मैच हो रहा है, डेफिनेटली मैच हो रहा है। लेकिन आपको क्या करना है, मैक्सिमम प्रीफिक्स मैचिंग करनी है, आंसर इथरनेट जीरो नहीं होगा, आपको और के साथ में ट्राई करना होगा। लेट्स से मैं ट्राई करता हूँ सेकंड वाले के साथ में, तो ये है 144.16.68.117, ये मेरा आईपी एड्रेस है, और मैं इसके मास्क के साथ में इसको एंड करके देखता हूँ, 255.255.224.0। अब इनको मैं एंड करूंगा तो आएगा, जब आप 255 के साथ में किसी चीज़ को एंड करते हो तो वही आएगा, क्योंकि 255 मीन्स सब के सब 1111 है। ओके, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, कि यही चीज़ क्यों आ रही है एंड करने के बाद में, क्योंकि लेट्स से 7 है, 7 का बाइनरी क्या होगा, 111। इसके साथ में आप किसी चीज़ को एंड करते हो, लेट्स से 101 के 5 को एंड कर सकते हो, तो आंसर क्या आएगा, 101 ही आएगा, 111010111, तो वही आएगा, ठीक है, मतलब .16। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका बाइनरी होगा 68 का 0164 प्लस 4, यानी कि दिस इज 128 6432 168421, और 224 का होगा 192 प्लस 64, ओके 128 प्लस 64 इज 192 प्लस 32 इज 224, तो ये इसका बाइनरी होगा। जब आप इनको एंड करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा और ये आएगा 1, और बाकी सब 0-0 होंगे। ओके, दिस इज 64, तो इन दोनों का एंड करने के बाद में आएगा 64 डॉट, ये 0 के नीचे साथ में है 0, तो 0 ही होगा, तो इसका आ रहा है 144.16.64.0। ये नेट आईडी आ रही है इस आईपी एड्रेस के साथ में, तो इसकी नेट आईडी नेट आईडी के साथ में मैच कर रही है, यानी कि इथरनेट 1 पे जाएगा। अब क्या और ज़्यादा प्रीफिक्स मैचिंग कर सकते हैं हम इसके साथ में, अगर मैचिंग करते हैं नेट से, और बड़ा भी हमारे पास में मास्क है, ये भी बहुत बड़ा मास्क है और ये भी बहुत बड़ा मास्क है, तो अगर मैं सी के साथ में मैच करता हूँ, अभी भी आंसर ये नहीं है, ये भी मैच कर रहा है एक्चुअल में, तो थर्ड वाले के साथ में अगर मैं मैच करता हूँ 144.16.68.117, तो इसका है 255.255.255.0। अब इनके मैं प्रीफिक्स मैचिंग करता हूँ, इनको मैं एंड फाइंड आउट करूँगा, तो 144.16.68.0, ठीक है, यहाँ पे मैच कर रहा है, ये नेट आईडी सेम वही आ रही है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी जा सकता है। अब सबसे बड़ा जो मास्क है वो ये है, तो अच्छा तरीका क्या है, अच्छा तरीका ये कि पहले सबसे बड़े मास्क के साथ में मैच करने स्टार्ट करो, सबसे पहले इसके साथ में स्टार्ट करो, फिर इसके साथ में, क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैचिंग करनी होती है इसमें। लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैचिंग का मतलब क्या है, कि जो आईपी एड्रेस दिया हुआ है उसको सबसे बड़े मास्क से पहले एंड करके देखो, अगर नेट आईडी यही आई एंड करने के बाद में, तो आंसर वही होगा, ठीक है। तो अब मैं कोशिश करता हूँ इसके साथ में, अगर इसके साथ में मैच कर गया तो आंसर यही होगा, सब अभी तक सबसे बड़ी जो प्रीफिक्स मैचिंग हुई है वो ये हुई है, सबसे बड़ी मैचिंग इसके साथ में हुई है अभी तक। तो फोर्थ लेट से मैं करता हूँ 144.16.68.117, इसका मास्क है 255.255.255.224, तो ये आएगा 144.16.68, अब लास्ट में होगा 117, तो जब 117 का बाइनरी फाइंड आउट करेंगे तो 117 का बाइनरी आएगा
प्लस 32 इज 96, 96 प्लस 16 इज 96 प्लस 32 इज 64 प्लस 32 इज 96, 96 प्लस 16 इज 112 प्लस 4 116 दिस वन ओके दिस इज 117 नाउ उसके बाद है 224 224 इज 111 दैट इज 128 प्लस 64 इज 192 प्लस 32 इज 224 सो जब इनका एंड करेंगे तो आएगा 0 1 1 0 0 0 0 0 दिस इज नथिंग बट 96 बिकॉज 64 प्लस 32 इज 96 तो ये आ रहा है 96 तो मुझे देखना है क्या ये आईडी मैच हुई है इस आईडी के साथ में नहीं हो रही है ये है 144.16.68.96 और ये है 144.16.64.8.64 तो ये मैच नहीं हो रही इसका मतलब क्या है कि इस पे जाएगा इथरनेट 2 पे जाएगा सो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैचिंग हो रही है सी के साथ में इथरनेट 2 के साथ में तो आपको क्या करना है सिंपली जो आईपी एड्रेस दिया हुआ है सबके मास्क के साथ में एंड करके देखो जिसका भी लार्जेस्ट प्रीफिक्स मैचिंग हो रही है उसी के साथ में आप करो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज नॉट यूज टू रिजॉल्व वन और वन फॉर्म ऑफ एड्रेस टू अनदर ठीक है इनमें से कौन सा हम एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए यूज नहीं करते हैं अगर एआरपी को देखते हैं एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं आईपी टू मैक निकालने के लिए मतलब लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस निकालने के लिए या फिर कह सकते हो कि आईपी एड्रेस से मैक एड्रेस निकालने के लिए आर ए आर पी इसका उल्टा है हम यूज करते हैं आर ए आर पी मैक एड्रेस से आई पी एड्रेस निकालने के लिए ओके डी एन एस हम यूज करते हैं होस्ट नेम से आई पी एड्रेस निकालने के लिए ओके अगर आपको याद हो वेब ब्राउजिंग में हम यूज करते हैं होस्ट नेम टू आई पी एड्रेस लेकिन डी एस सी पी हम आई पी एड्रेस को ऑब्टेन करने के लिए यूज करते हैं ना कि कन्वर्ट करने के लिए तो इंटरनली डी एस सी पी जो है आर ए आर पी प्रोटोकॉल यूज करता है लेकिन अभी ये किसी एड्रेस को किसी एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस में कन्वर्ट नहीं करता है डीएनएस की अगर बात करो तो ये वेब एड्रेस को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करता है एआरपी आईपी एड्रेस को मैक में और आरएआरपी मैक टू आईपी सो ऑप्शन इज सी मैच द फॉलोइंग डेटा लिंक लेयर डज द फ्लो कंट्रोल तो फ्लो कंट्रोल दो जगह होगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी और डेटा लिंक लेयर पे भी नेटवर्क लेयर क्या करता है नेटवर्क लेयर करता है राउटिंग ठीक है नेटवर्क लेयर करेगा राउटिंग एप्लीकेशन लेयर आपको प्रोवाइड करती है मेल सर्विसेज ओके एंड ट्रांसपोर्ट लेयर करती है नोड टू नोड डिलीवरी ओके नोड टू नोड डिलीवरी सो द करेक्ट चॉइस इज ए इज मैचिंग विद वन बी इज मैचिंग विद राउटिंग दैट इज फोर्थ सी इज मैचिंग विद टू एंड डी इज मैचिंग विद मेल सर्विस दैट इज थ्री 1 4 2 3 So the answer is data link layer is matching with data link layer is matching with 2 that is node to node delivery okay actually transport layer does process to process delivery okay that means transport layer will match with 1 so this will become 2 1 okay A is matching with 2 that is node to node delivery network layer is matching with 4 B is matching with 4 and C is matching with 1 that is 2 4 1 3 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर मैच द फॉलोइंग सेशन लेयर डज थ्री थिंग्स ओके डायलॉग कंट्रोल एंड टोकनाइजेशन और यू कैन से टोकन मैनेजमेंट सो ऑल दीज थिंग्स आर डन बाय सेशन लेयर मैनेज द सेशन बिटवीन सेंडर एंड द रिसीवर सो सेशन लेयर डज द डायलॉग कंट्रोल एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड्स यू वर्चुअल टर्मिनल सॉफ्टवेयर जहाँ भी सर्वर सॉफ्टवेयर की बात आएगी तो समझ जाना एप्लीकेशन लेयर की बात कर रहे हैं प्रेजेंटेशन लेयर डज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज सिमेंटिक एंड ऑफ द इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिटेड जो आपने इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट की है उसका सिमेंटिक एंड सिंटैक्स फाइंड आउट करने के लिए हम प्रेजेंटेशन लेयर यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर हमें बताइए कि फ्लो कंट्रोल के लिए यूज करते हैं दैट मीन्स वन इज मैचिंग विद फोर एंड बी इज मैचिंग विद एप्लीकेशन लेयर इज वर्चुअल टर्मिनल सॉफ्टवेयर सी इज टू एंड डी इज थ्री ओके दैट मीन्स 4 1 2 3 ऑप्शन वन इज द राइट आंसर सो मैच द फॉलोइंग एस एम टी पी इज एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल बिकॉज इट प्रोवाइड्स मेल सर्विसेज
बीजीपी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, दैट मीन्स राउटिंग प्रोटोकॉल। यह है राउटिंग प्रोटोकॉल जो हम यूज़ करते हैं इंटरनेटवर्किंग राउटिंग के लिए। अगर आपको राउटिंग करनी है अपने नेटवर्क से बाहर तो आप यूज़ करते हो बीजीपी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, दैट इज डेटा लिंक नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। राउटिंग कहाँ होती है? नेटवर्क लेयर पे। टीसीपी इज यूज्ड ऑन द ट्रांसपोर्ट लेयर। हमें पता है कि टीसीपी क्या यूज़ करते हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर पे, जहाँ पे हम दो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, यूडीपी एंड टीसीपी। उसके बाद में है पीपीपी और यह है डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल। ओके, सो पी इज मैचिंग विद वन। ओके, पी इज वन। उसके बाद में क्यू इज मैचिंग विद फोर, दैट इज नेटवर्क लेयर। आर इज मैचिंग विद टू एंड एस इज मैचिंग विद थ्री, दैट मीन्स 1 4 2 3। 1 4 2 3 बी इज द राइट आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग वी हैव टू मैच दिस फॉलोइंग विद द गिवन प्रोटोकॉल्स। हमारे पास में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और कुछ प्रोटोकॉल्स दिए हुए हैं, इन स्टेटमेंट्स को प्रोटोकॉल के साथ में मैच करना है। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि नॉट सूटेबल फॉर क्लाइंट ऑथेंटिकेशन, ये मैच करेगा एसएमटीपी के साथ में। एसएमटीपी यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, उसके लिए हम अलग प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। नॉट ए स्टेट सेंसिटिव प्रोटोकॉल, यानी कि स्टेटलेस प्रोटोकॉल की बात कर रहा है। नॉट ए स्टेट सेंसिटिव प्रोटोकॉल, स्टेटलेस प्रोटोकॉल कौन सा है? एचटीटीपी। एचटीटीपी का हमें पता है क्या है? स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। उसके बाद में है मस्ट बी ऑपरेटेड विद मोर देन वन सर्वर, ये बात कर रहे हैं आई मैप की, क्योंकि आई मैप को रन करने के लिए एक से ज़्यादा सर्वर की जरूरत होगी। एक ज़्यादा सर्वर मतलब एक सेंडर सर्वर होगा, एक रिसीवर सर्वर होगा। ये आई मैप हम मेल सर्वर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें दो सर्वर यूज़ करते हैं, एक सेंडिंग सर्वर एक रिसीविंग सर्वर। सूटेबल फॉर स्ट्रक्चर्ड मैसेज ऑर्गेनाइजेशन, हम मैसेज ऑर्गेनाइजेशन करते हैं डीएनएस में, क्योंकि डीएनएस में हम क्वेरीज लिखते हैं। डीएनएस में हम क्या करते हैं कि एक हमें होस्ट नेम से आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना है, तो जो आपका कंप्यूटर होगा वो क्वेरीज सेंड करेगा मैसेजेस की फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स को, पहले आपके होम सर्वर को, फिर रूट सर्वर को, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स को क्वेरी सेंड करेगा। मे नीड टू पोर्ट्स ऑन द सर्वर साइड फॉर प्रॉपर ऑपरेशन, ये बात कर रहे हैं एफटीपी की, क्योंकि एफटीपी पे हम दो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, पोर्ट नंबर 20 पोर्ट नंबर 21, एक कंट्रोल कनेक्शन के लिए, एक डेटा कनेक्शन के लिए। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज एसएमटीपी, एचटीटीपी, आईमैप, डीएनएस एंड एफटीपी, दैट इज ऑप्शन डी। इन वन ऑफ द पेयर्स ऑफ प्रोटोकॉल गिवन बिलो, बोथ द प्रोटोकॉल्स कैन यूज मल्टीपल टीसीपी कनेक्शंस बिटवीन सेम क्लाइंट एंड सेम सर्वर। ओके, ये कह रहा है कि इनमें से दो प्रोटोकॉल ऐसे हैं जो सेम क्लाइंट सर्वर के बीच में मल्टीपल टीसीपी कनेक्शन यूज कर सकते हैं। तो हमें पता है कि टीसीपी क्या, हमें एक चीज़ पता है कि इनमें से एक प्रोटोकॉल ऐसा है जो स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, यानी कि उसको एक से, अगर आपके पास में एक वेब पेज है, लेट से ये वेब पेज है, इस वेब पेज के अंदर अगर चार ऑब्जेक्ट्स हैं, लेट से तीन पिक्चर्स हैं, ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट हैं, तो इसको चार ऑब्जेक्ट फैच करने हैं सर्वर से। अगर इस वेब पेज को फैच करना है तो चार ऑब्जेक्ट फैच करने हैं। अब इन चार ऑब्जेक्ट को फैच करने के लिए जो क्लाइंट होगा वो सर्वर से चार बार कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा, क्योंकि ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे तो टीसीपी प्रोटोकॉल ही यूज़ करेगा, एप्लीकेशन लेयर पे कई सारे कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा। ओके, सो ये एक ही सेशन में मल्टीपल कनेक्शन यूज़ करेगा, वो है एचटीटीपी। अब दूसरा कौन होगा? एसएमटीपी या फिर एफटीपी। जब आप ईमेल सेंड करते हो तो आपका ईमेल पूरा एक पूरे सेशन के अंडर जाएगा, उसमें बीच में सेशन ब्रेक नहीं होगा। लेकिन एफटीपी में क्या होगा, जब आप कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो तो आपने देखा होगा आपकी फाइल पार्ट्स में डिवाइड होगी। इसका मतलब क्या है कि एक पार्ट डाउनलोड होगा, फिर आपका दोबारा से कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, और अगर कभी आपका कनेक्शन टूट भी जाए, लेट्स से इंटरनेट कनेक्शन चला गया, तो आपकी फाइल वहीं से डाउनलोड होगी। इसका मतलब क्या है कि टीसीपी कनेक्शन दोबारा से इस्टेब्लिश होगा, और जो पार्ट, क्योंकि आप फाइल जो है वो पार्ट्स में डाउनलोड कर रहे हो, तो जो पहला पार्ट आप डाउनलोड कर चुके हो वो लॉस नहीं होगा। तो एफटीपी एंड एचटीटीपी जो है वो दो प्रोटोकॉल हम ऐसे हैं जिनमें दो मशीन्स के बीच में एक ही सेशन में मल्टीपल कनेक्शंस बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एन आईपी एड्रेस एंड अ पोर्ट नंबर इज नोन एज सॉकेट एड्रेस। ठीक है, मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस होगा, सबनेट मास्क होगा सबनेट आईडी, नेटवर्क नंबर है नेट आईडी, लेकिन सॉकेट एड्रेस है आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर का कनेक्शन। इन इलेक्ट्रॉनिक मेल विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मल्टीमीडिया मैसेजेस। ओके, इनिशियली जब हमारे पास में ईमेल आया था तो ईमेल में हम सिर्फ जो है टेक्स्ट मैसेज सेंड कर सकते थे, यानी कि कुछ लिख के ही भेज सकते थे एसकाई की फॉर्म में, लेकिन कुछ अटैचमेंट नहीं कर सकते थे। लेकिन हमने क्या किया, एसएमटीपी के साथ में फिर हमारे पास में एक नई चीज़ आई, मल्टीमीडिया एक्सटेंशन, यानी कि MIME का हम यूज़ करके अपने ईमेल के साथ में वीडियो, ऑडियो, इमेजेस सब कुछ सेंड कर सकते हैं।
गिवन द आई पी एड्रेस दिस एंड द सबनेट मास्क दिस, वॉट इज द सबनेट एड्रेस। ठीक है, आपको आई पी एड्रेस भी दिया हुआ है और सबनेट आई डी भी दी हुई है। आपको फाइंड आउट करना है सबनेट एड्रेस, यानी कि सबनेट आई डी फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है सबनेट आई डी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबनेट आई डी फाइंड आउट करने के लिए आई पी एड्रेस को एंड करते हैं किसके साथ में, एंड ऑपरेशन विद सबनेट मास्क। ठीक है, तो आई पी एड्रेस दिया हुआ है 201.14.78.65 एंड मास्क दिया हुआ है 255.255.255.224। अब आपको इन दो को एंड करना है। ओके, तो जब आप किसी चीज़ को 255 के साथ में एंड करते हो तो वही आएगा, यानी कि 201.14.78 और 65 का बाइनरी है 01000001। ठीक है, 224 का बाइनरी है 11100000। इन दो को एंड करोगे तो आएगा 01000000। ठीक है, ये आपका आएगा इन दोनों का एंड, इसका मतलब होता है 64, यानी कि .64। तो सबनेट आईडी आई आपके पास में 201.14.78.64, यानी कि ऑप्शन बी। विच लेयर ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल यूजेज द ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। जैसे मैंने कल भी बात की थी एक क्वेश्चन में, ICMP हम नेटवर्क लेयर पे यूज करते हैं एरर को रिपोर्ट करने के लिए, यानी कि अगर लेट्स से राउटर ने कोई पैकेट फॉरवर्ड किया और वो पैकेट रिसीवर तक नहीं पहुंच पाया तो ICMP एक मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म करेगा राउटर को कि आपका मैसेज लॉस्ट हो गया है। ओके, तो ये नेटवर्क लेयर का एक प्रोटोकॉल है ICMP। इन क्लास एड्रेसिंग एंड आई पी एड्रेस दिस बिलोंग्स टू विच क्लास। ओके, अगर मैं क्लास की बात करता हूँ, क्लासफुल आई पी एड्रेसिंग में क्लास ए की रेंज है 0 से 127, फर्स्ट ऑक्टेट आपको देखना है, फर्स्ट ऑक्टेट ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ रेंज की। क्लास बी में है 128 से 191, उसके बाद में क्लास सी है 192 से 223, क्लास डी है 224 से 239 एंड फाइनली क्लास ई है 240 से 255। ठीक है, तो ये रेंज का हम कहाँ कर रही है, पहला अपडेट देखना है ये 123 किस रेंज के अंदर आ रहा है। ये रेंज के अंदर आ रहा है 0 से 127 की रेंज में, यानी कि ये क्लास ए का एड्रेस है। इन TCP/IP रेफरेंस मॉडल द जॉब ऑफ विच लेयर इज टू परमिट होस्ट टू इंजेक्ट पैकेट्स इनटू एनी नेटवर्क एंड ट्रेवल देम इंडिपेंडेंटली टू द डेस्टिनेशन। कौन सी लेयर इनमें से आपके पैकेट को इंजेक्ट करती है नेटवर्क में और उसको ट्रेवल करने देती है। तो नेटवर्क में अगर आपको बात करूँ नेटवर्क लेयर की, नेटवर्क लेयर पे कौन इंजेक्ट करता है पैकेट, वह है ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके, दैट इज टू। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज यूज्ड बाय ईमेल सर्वर टू मेंटेन अ सेंट्रल रेपोजिटरी दैट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनी मशीन। तो मैंने बताया था कि आपको ईमेल एक्सेस करने के लिए दो प्रोटोकॉल यूज करते हो, IMAP एंड POP। अगर आपको बहुत सारी जगहों से अपना ईमेल एक्सेस करना है, यानी कि मल्टीपल मशीन से ईमेल एक्सेस करना है तो आप IMAP यूज करते हो। अगर आपको मल्टीपल जगह से या मल्टीपल डिवाइस से अपना ईमेल एक्सेस करना है तो आपको एक सेंट्रल, जो आपका ईमेल सर्वर है उसको एक सेंट्रल रिपोजिटरी रखनी पड़ेगी जहाँ जिसको वो कहीं से भी एक्सेस कर सके। और POP में आपको एक फाइल डाउन, आपके ईमेल जो है वो आप एक्सेस करते हो किसके थ्रू, वेब ब्राउजर के थ्रू। यानी कि अगर आपको एक ही नहीं सॉरी वेब ब्राउजर के थ्रू आप IMAP में करते हो। अगर आपको ईमेल डाउनलोड करने हैं अपने एक मशीन, यानी कि आप ईमेल जो है वो एक ही मशीन के थ्रू एक्सेस कर रहे हो तो आप ईमेल को डाउनलोड करके रख सकते हो अपने मशीन पे और वो आप करते हो POP के थ्रू। तो IMAP ऐसा प्रोटोकॉल है जो आपको सेंट्रल रिपोजिटरी प्रोवाइड करेगा, इसका मतलब आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो अपने ईमेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द पोर्ट नंबर्स, कि कौन सी सर्विस कौन से पोर्ट पे रन करती है। मैं पता है ईमेल में हम यूज़ करते हैं SMTP प्रोटोकॉल, और SMTP प्रोटोकॉल रन करता है पोर्ट नंबर 25 पे। ओके, वर्ल्ड वाइड वेब हम एक्सेस करते हैं और वर्ल्ड वाइड वेब में हम यूज़ करते हैं HTTP प्रोटोकॉल, और HTTP प्रोटोकॉल रन करता है पोर्ट नंबर 80 पे। ठीक है, उसके बाद में रिमोट लॉगिन हम यूज़ करते हैं रिमोट लॉगिन के लिए टेलनेट। ठीक है, रिमोट लॉगिन के लिए हम टेलनेट यूज़ करते हैं और टेलनेट रन करता है पोर्ट नंबर 23 पे। ओके, फाइनली यूजनेट प्रोटोकॉल रन करता है 119 पे। ओके, नेट न्यूज़ एक्सेस करने के लिए। सो द करेक्ट कॉम्बिनेशन इज ए इज मैचिंग विद टू
एंड बी इज मैचिंग विद 4, सी इज मैचिंग विद 80 दैट इज 1, एंड डी इज मैचिंग विद 119 दैट इज यूजनेट 3. सो 2413 दैट इज 2413 इज नॉट इन ऑप्शंस. सो आई थिंक 24 A is matching with 2, B is matching with 4, email, and C is matching with 1, World Wide Web, and D is matching with not 1, D cannot match with 1, D cannot match, D is matching with 3. Okay, 2, 4, 1, 3. So the answer is 4. Which of the following is not associated with the session player? ओके, इनमें से कौन सा सेशन लेयर से एसोसिएटेड नहीं है? सेशन लेयर में मुझे बताया था कि तीन चीज़ें करते हैं, डायलॉग कंट्रोल, टोकन मैनेजमेंट एंड सिंक्रोनाइजेशन. ये काम है प्रेजेंटेशन लेयर का, ना कि सेशन लेयर का. ओके, सो सी इज द राइट आंसर. इन क्लासफुल एड्रेसिंग द आईपी एड्रेस दिस बिलोंग्स टू विच क्लास? सो हमने क्लास की कुछ रेंज बताई थी, जैसे कि ए क्लास की 0 से 127, क्लास बी 128 to 191, विच मीन्स क्लास बी से बिलोंग कर रहा है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन IPv4 हेडर द विच फील्ड इज नीडेड टू अलाउ द डेस्टिनेशन होस्ट टू डिटरमाइन विच डेटाग्राम अ न्यूली अराइव्ड फ्रेगमेंट बिलोंग्स टू? तो क्योंकि डेटाग्राम जो होगा वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होगा, या फिर ऐसे बोल सकते हो एक सेगमेंट जो है वो पैकेट्स में डिवाइड होगा. जब बहुत सारे पैकेट्स रिसीवर साइड पहुंचेंगे तो उन सब पैकेट्स को आपको आपस एक साथ कंबाइन करके डेटाग्राम बनाना है. अब कौन सा पैकेट कौन से डेटाग्राम से बिलोंग कर रहा है आप ये कैसे बताओगे? ये हम बताएंगे आइडेंटिफिकेशन नंबर से. ठीक है, आइडेंटिफिकेशन नंबर इसीलिए यूज़ करते हैं कि हम ये बता पाएंगे कौन सा पैकेट कौन से फ्रेगमेंट से बिलोंग कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डेटा एंड एक्नॉलेजमेंट आर सेंट इन द सेम फ्रेम दिस इज कॉल्ड एज पिगी बैकिंग. ओके, इसको हम बोलते हैं पिगी बैकिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विच लेयर? सो जैसे हमने बताया था इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन किस लेयर का काम है? एप्लीकेशन लेयर का. तो जितने भी एप्लीकेशन जितने भी काम यूजर करेगा जितने भी यूजर के काम है वो सब के सब एप्लीकेशन लेयर पे ही होंगे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बोथ होस्ट एंड राउटर्स आर TCP/IP प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर, हाउएवर राउटर्स डू नॉट यूज प्रोटोकॉल्स फ्रॉम ऑल लेयर्स, द लेयर फॉर विच प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर इज नॉट नीडेड बाय अ राउटर इज व्हाट? तो राउटर क्या है? राउटर एक नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है. ठीक है, जब मैं कह रहा हूँ नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल तो इसका मतलब यह है कि इसके पास में नेटवर्क लेयर से लेके उसके नीचे तक की सारी लेयर होगी, लेकिन उससे ऊपर की कोई लेयर नहीं होगी. नेटवर्क लेयर पे अगर मैं कहता हूँ राउटर तो राउटर के पास में कितनी लेयर्स हैं? राउटर के पास में 3 लेयर्स हैं, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर. जैसे मैं बोलता हूँ जो ब्रिज है आपका ब्रिज, वो डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल है. ब्रिज जो है वो डेटा लिंक लेयर डिवाइस है. हर एक डिवाइस किसी ना किसी लेयर पे काम करेगा. जैसे हब है, हब फिजिकल लेयर पे काम करता है. गेटवेज मल्टीपल लेयर्स पे काम करते हैं. राउटर सिर्फ एक लेयर पे काम करता है, वो नेटवर्क लेयर. ब्रिज काम करता है डेटा लिंक लेयर पे. इसका मतलब क्या है? जब मैं कह रहा हूँ कि ब्रिज डेटा लिंक लेयर का डिवाइस है, इसका मतलब यह कि इसके अंदर सिर्फ 2 ही लेयर्स होंगी. कौन कौन सी? डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर. तो इसका मतलब ये है. तो राउटर जो है वो 3 ही लेयर को एक्सेस कर सकता है, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर. तो इसका मतलब उसके अंदर फिजिकल लेयर भी होगी, इंटरनेट लेयर भी होगी, नेटवर्क इंटरफेस जो कि फिजिकल लेयर पे वो भी होगा, लेकिन एप्लीकेशन लेयर नहीं हो सकती उसके अंदर क्योंकि वो अपर लेयर है. राउटर काम करता है नेटवर्क लेयर पे. सो ए इज द राइट आंसर. सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड टोटल 150 क्वेश्चंस ऑफ CN. ओके, सो नेक्स्ट वी विल हैव मोर 50 क्वेश्चंस एंड दे विल बी टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस. ओके, सो वी विल डिस्कस नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस टुमारो. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.